जय हिंद एस्पिरेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप आई एम विजिबल एंड ऑडिबल। गुड इवनिंग सर। आई एम विजिबल एंड ऑडिबल, एक बार बता दो। यस सर। स्क्रीन दिख रही है क्या मेरी? यस सर। ओके, जय हिंद बेटा। और यूट्यूब से जुड़ने वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है? मैं उनके कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में तुम्हारे कमेंट्स भी पढ़ूंगा। ओके रात ज्योति। ओके जय हिंद बेटा। ओके, बाकी के बच्चे कहाँ पर हैं? कल ही तो बताया मैं 5 मिनट पहले आ जाऊं। ओके, तो क्लब्ड सेशंस हमारे होने वाले हैं बोथ फॉर इंडिया एंड सीडीएस, ठीक है? कल हमने पहला पार्ट देखा हुआ था एंशियंट हिस्ट्री का, तो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज बाकी के जो कोई भी कॉन्सेप्ट हैं। सो मूविंग अहेड, आज क्या क्या हुआ था आपका क्लास एक बार देख लेते हैं। सुबह सुबह प्रतीक सर की क्लास हुई थी शायद सबसे पहले। यस एब्सोल्युटली, 8 बजे प्रतीक सर का ईयरली रिव्यू पार्ट 3 हुआ था, एंड देन 9:30 बजे दिव्यांशु सर डेली डिफेंस ईयरली रिव्यू लाए हुए थे इंडियन एयरफोर्स पार्ट 1। कल पार्ट 2 जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। और 9 बजे SSB इंटरव्यू के लाइव क्लासेस हुए थे अनुराधा मैम और दृष्टि मैम के। सो इंडिया वालों के लिए 4 बजे इंग्लिश था स्पॉटिंग एरर्स, और CDS वालों के लिए मैथ्स परसेंटेज का सेकेंड क्लास था। और अभी क्लब्ड है दोनों के लिए GK एंशियंट हिस्ट्री क्लास 2 फॉर बोथ इंडिया एंड CDS, ठीक है? तो अफकैट के बच्चे अफकैट का फॉलो कर लेंगे। सो मूविंग अहेड, आज के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल हमने एक बहुत ही अच्छी लंबी चर्चा की हुई थी। हमने स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक एज के बारे में देखा, हमने उसके क्लासिफिकेशंस भी देखे हुए थे कि पेलियोलिथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, ठीक है? उसके बाद आयरन एज, और बाद में हमने आहिस्ता से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी देखा, सिंधु नागरिकता के बारे में उनके। कल मैंने क्लास नहीं किया था तो उसका फिर बैकलॉग कैसे किए? उसका प्री रिकॉर्डेड सेशन देख लो ना, कोर्स में ही मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद अभी तो समझ में आएगा ना सर? हाँ बिल्कुल आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा बोलो। ओके, सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के, देखो कोई भी डाउट हो वो हैंड रेज वाली इमोजी लगाओ, मुझे समझ में आ जाएगा, ठीक है? एंड सिंधु नागरिकता के बाद हमने देखा आर्यंस आए हुए थे यहाँ पर, जिन्होंने वैदिक एज की स्थापना की हुई थी, अर्ली और लेटर वैदिक एज भी हमने देखा, किस तरीके से ह्यूमन एवोल्यूशन हो रहा था, और अंत में टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट जो थे वो इंसानों में आए हुए थे, महाजनपदास, ठीक है? राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमारे जिंदगियों में आया हुआ था। फ्रॉम अ केव मैन, फ्रॉम अ अर्ली मैन, फ्रॉम अ हंटर फूड गैदर, नाउ वी डिसाइडेड दैट वी वॉन्ट अ सोसाइटी, वी वॉन्ट टू बिल्ड वॉल्स विद इन आर सेल्व्स, ठीक है? तो आज के सेशन में हम क्या देखेंगे, हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे, प्री मौर्यन एरा, क्योंकि मौर्यंस ऐसी डायनेस्टी थी जो मगध के रीजन में रूल कर रही थी, जिन्होंने इन द रियल टर्म्स पहली बार इंपीरियलिस्टिक रूल दिया हुआ था इंडिया को। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन भी पूरे इंडिया का इन्हीं के अंडर हुआ था, हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है? और प्री मौर्यन एरा में क्या क्या डायनेस्टीज थे छोटे बड़े, उनके चंद इंपॉर्टेंट से रूलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और बाद में हम मौर्यन एरा पर आएंगे और मौर्यन एरा के बारे में A to Z हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सो विल बी रैपिंग अप विद मौर्यन एरा। ओके, हाउ इज द जोश? बाकी के बच्चे कहाँ पर हैं? व्हाट हैपेंड? हाय सर। हाय सर। बहुत इंडियन सीडीएस वाले हैं ना इसमें? हाय। यस सर। यस सर। कल फिर मुझे दो बच्चों ने मेल भेजा हुआ था कि सर क्या मुझे रनिंग नोट बनानी चाहिए। मैं फिर बताता हूँ, लेक्चर बस बैठ के चिल मार के सुनो, व्हाई यू वांट टू टेक सो मच स्ट्रेंथ? मैंने कल ही कहा आपको, बस पेन पेपर लेके बैठो, पर उसका इस्तेमाल मत करो। रेयरली आई विल टेल यू व्हाट टू राइट, यू राइट, बाकी तो मैं आपको यही पीपीटी पीडीएफ बना के दूंगा। आप मटेरियल का टेंशन मत लो, कोर्सेस में इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन है, मटेरियल भी है, वही बहुत ज्यादा है। बस आप इत्मीनान से सुनो, डिस्कशन में पार्ट लो, ठीक है? दैट इज व्हाट आई वांट यू टू डू। ओके, सो कल से ही शुरू करते हैं। कल हमने देखा कि रिलीजियन नाम की चीज इंसान की जिंदगी, एंड अनदर रिक्वेस्ट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो कल हमने देखा कि रिलीजन नाम की चीज इंसान की जिंदगी में पहले नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता से पहले वो क्या था, पहले भूख के लिए तड़पता था, कपड़े नहीं थे, शेल्टर वगैरह उसे नहीं मिलता था, लेकिन जब आहिस्ता से उसने सेटल्ड जिंदगी जीना शुरू की, एग्रीकल्चर के बारे में उसे पता चल गया, तो आहिस्ता से ना उसकी जिंदगी में रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट की भी जरूरत थी, तो वो पेंटिंग करता था, पॉटरी बनाता था, ठीक है? यानी कि वो अपने फ्री दिमाग को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता था। तो उसी के चलते चलते इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहली बार रफली हमने नेचर को वर्कशिप करना शुरू किया हुआ था। हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट्स अभी डिसिफर नहीं किए गए हैं, तो हमें पता नहीं कि दरअसल वो गॉड और गॉडेस है क्या,
लेकिन बस हमें इतना पता है कि वो नेचर का भी वर्शिप करते थे वहां पर, मदर अर्थ जो कि फर्टिलिटी का एक सिंबल देखा जाता था उसकी भी वर्शिप करते थे, क्योंकि हमें इस तरीके के कई स्टैचूज भी मिले हुए हैं। लेकिन बाद में जब वेदी कहे जाता है, ऋग्वेदा को लिखा जाता है, तो यहाँ से पूरी तरीके से रिलीजन कॉन्क्रीट हो जाता है। और बाय लेटर वेदी के हमने ये भी देखा कि पूरी तरीके से एक परफेक्ट रिलीजन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, रिलीजियन जो सोच है वो इंसानों के दिमाग में आती है। क्योंकि इन द ट्रू सेंस अगर हम बात करें तो अभी हिंदुइज्म जैसा आज के जमाने में हम देख रहे हैं उस जमाने में ऐसा नहीं था, बिकॉज हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, कि आप कैसे जियोगे बस वही था। इन ट्रू टर्म्स इट वॉज एक्चुअली बुद्धिज्म फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दैट दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक संघ बनाना, यानी कि अपनी एक रिलीजन आइडेंटिटी बनाना। हम उसके बारे में बुद्धिज्म में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक तो क्लियर था हमें, वैदिक एज में हमने देखा भगवान आ रहे थे, ए टू जेड सब भी चीजें हो रही थी, और सबसे खराब चीज जो एक हो रही थी, इंसानों के बीच ज्यादा से ज्यादा डिविजन्स हो रहे थे। द बेस्ट एग्जाम्पल वॉज नन बट वर्णा सिस्टम। देखो अर्ली वैदिक एज में तो अच्छा ही था, कोई भी टेंशन नहीं था अर्ली वैदिक एज में कि तुम जिस प्रोफेशन के हो तुम्हें उस वर्णा से बुलाया जाता था। तुम इंटेलेक्चुअल थे तो तुम ब्राह्मण थे, तुम वॉरियर थे तो तुम क्षत्रिय थे, तुम ट्रेडर थे तुम वैश्य थे, तुम एग्रीकल्चरिस्ट या पेजेंट थे फार्मर थे तो तुम्हें शूद्र कहा जाता था। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, पूरी तरीके से पैराडाइम जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर प्रोफेशन के बेसिस पे नहीं, अब यहाँ पर आपको बर्थ के बेसिस पर रिकॉग्नाइज करना चालू होता है, यानी कि ब्राह्मण के पेट में ब्राह्मण पैदा होगा, क्षत्रिय के पेट में क्षत्रिय, वैश्य के पेट में वैश्य, और शूद्र के घर में शूद्र ही पैदा होगा। तो हद से ज्यादा ब्राह्मण जो थे, अभी दरअसल हिस्टोरियंस एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं ब्राह्मणिकल रिलीजन, हिंदुइज्म या सनातन धर्म का वर्ड इस्तेमाल हम नहीं करते, ब्राह्मणिकल रिलीजन ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण कहता है वो शास्त्र था, बस जो ब्राह्मण कहता था वही सब कुछ था। राजा लोग महाराजा लोग कोई भी हो, सिंगल हैंडेडली इवन महाजनपदा के टाइम फ्रेम में ब्लैक एंड ब्लू ब्राह्मण जो थे वो डोमिनेट करते थे। हाई पोजीशंस भी उन्हें दिए जाते थे, रॉयल पैट्रोनेज भी उन्हें मिलता था, वो जो सही कहे वो सही, जो गलत कहे कहे। तो जाहिर सी बात है कि जो बाकी के वर्ण के लोग थे वो खामोश थोड़ी ना बैठेंगे, अगर फ्री टाइम हमारे पास है तो हम सुन। हाँ सुनो बोलो। ब्लू और ब्लैक क्या है ब्राह्मण? ब्लू और ब्लैक ब्राह्मण नहीं, वो एक मेटाफोर है, ये कहना कि हर चीज में वो डोमिनेट करते थे, ठीक है, ऐसे नहीं कि ब्लू और ब्लैक ब्राह्मण थे। ओके सर। हाँ, तो हर चीज में डोमिनेशन उनका था, ठीक है। अब जैसे विराट कोहली बैटिंग पर उतरता है तो कौन से बॉलर को देखता है, स्पिन हो या फिर फास्ट, वो तो सबकी धुलाई करता है, दोनों में आउट हो जाते हैं। हाँ, तो सिमिलर इज द थिंग। सो बाकी के लोग भी खामोश थोड़ी ना बैठने वाले थे, तो वो भी सवाल करना उन्होंने शुरू किया कि इतना रिजिडिटी क्यों है हमारे सोसाइटी में, ये दिया किसने ये कॉन्सेप्ट। हमने ये भी देखा कल तैतरेय ब्राह्मण में क्या देखा बेटा, हमने डिवाइन थियोरी ऑफ किंगशिप देखा कि लोग सवाल ना करें, राजा लोग क्या कहते थे कि मैं भगवान का पुत्र हूँ, यहाँ पर आई एम सन ऑफ गॉड, या मैं भगवान की परछाई हूँ, तो तुम मुझे क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, मेरा पैदा होना ही इट वॉज डेसिग्नेटेड टू रूल। अब ऐसा थोड़ी ना तख्ता पलट होता है, ऐसा थोड़ी ना पॉलिटिक्स चलता है, तो इट इंडिविजुअल स्ट्रेंथ पर भी ये डिपेंड करता है। तो अवेकनिंग लोगों के बीच आ रहा था कि यही रिलीजियस ऑर्डर को हम क्यों फॉलो करें, क्या ब्राह्मण का ही डोमिनेशन क्यों चलेगा, ऐसा क्या है, हमने कौन सी गलती की हुई थी कि मैंने शूद्र में पैदा हुआ और मुझे ना अनटचेबल की तरह देखा जा रहा है। तो फ्रॉम देयर कम्स द श्रमणा मोमेंट्स, इंपॉर्टेंट वन है बेटा, ठीक है, ये लिख सकते हो आप श्रमणा मोमेंट्स। श्रमणा मोमेंट्स यानी कि कपल ऑफ नहीं, कई ज्यादा, कहा जाता है कि लगभग 50 या 52 के आसपास अलग अलग इस तरीके के छोटे बड़े रिलीजियंस या फिर मोमेंट जो थे वो अराइज हुए थे टू स्टैंड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। और इसी पैरेलल नॉन वैदिक मूवमेंट से चल रहे थे, यानी कि एक जगह पर वैदिक एज ये जो ब्राह्मणिकल रिलीजन जो चल रहा था, वर्णा सिस्टम चल रहा था, सभी देवी देवताओं के पूजा चल रहे थे, तो ऑन द सेम लाइन चंद लोग जो थे वो सवाल कर रहे थे इन चीजों को, सोसाइटी में जो एस्टेब्लिश जो नॉर्म्स थे उसे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें श्रमणा मूवमेंट्स कहा जाता है। तो उनमें से सबसे टॉप जैनिज्म और बुद्धिज्म है, ठीक है, इवन योगा भी यही टाइम फ्रेम में बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हुआ था, बहुत ही ज्यादा डेवलप भी हुआ था, यानी कि लोग अब रिजिडिटी को छोड़ वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे थे, हद से ज्यादा सैक्रिफाइसेस भी हो रहे थे यहाँ पर, बलि देना हर छोटी बड़ी बात के लिए, कुछ ना कुछ यज्ञ करवाना, ठीक है, तुम पाप करके आए हो, ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ खिलाओ तुम्हारे पाप चले जाएंगे, हाउ कैन दैट हैपन। तो ये जैनिज्म बुद्धिज्म वालों ने ही क्वेश्चन किया हुआ था। सो आहिस्ता से क्या हुआ, ये जो संसारा है हमारी जिंदगी का, यानी कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ्स जो हो रहे हैं, वो उसके स्पेसिफिक रीजन क्या है, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन को कर रहे थे यहाँ पर, कि हाउ कैन वी डू दैट, और मोक्ष किस तरीके से पाया जा सकता है, यानी कि लिबरेशन फ्रॉम दिस वेरी साइकिल। हालांकि बुद्धिज्म ने तो इस तरीके की चीजों को कंडेम भी किया, गॉड का कॉन्सेप्ट हमें वहां पर देखने को ही नहीं मिलता,
So we'll be discussing regarding that also. I am unable to attend the Zoom meetings. कल एक बच्चे का भी problem हुआ था इसी तरीके से. Please write a mail to support@ssbcrackexams. या फिर एक बार आप app को uninstall करके install कर लो फिर से. From our side there is no technical issue because there is no waiting list. सभी बच्चे अंदर आ चुके हुए हैं. Okay, so moving ahead, देखते हैं क्या क्या changes ये Shramana traditions वालों ने लाए हुए थे. ठीक है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, आजीविका, आजीविका के बारे में भी पढ़ेंगे बेटा. ठीक है, ये भी इसी तरीके का एक माइनर रिलीजन है, फिर सेक्ट आप कह सकते हैं जो आया हुआ था. तो ऐसे अलग अलग जो Shramana traditions आए हुए थे जो नॉन वेदिक थे characteristics में, क्या क्या changes उन्होंने हमारे समाज में लाए हुए थे. सबसे पहला नए religions का emergence यहाँ पर होता है. जहां पर सवाल है वहीं पर जवाब है. जस्ट अ सेकेंड. जहां पर सवाल होता है वहीं पर जवाब भी होता है. तो जाहिर सी बात है कि जब वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्धा जैसे पर्सनालिटीज ने सवाल पूछे तो उन्हें जवाब भी मिला कि बिल्कुल हमें जरूरत ही नहीं है क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा बने. क्या हम अपने खुद का भी एक रिलीजन नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं. तो एमर्जेंस ऑफ न्यू रिलीजन्स हैव हैपेंड. जैनिज्म और बुद्धिज्म दरअसल उसी का ही एक रिजल्ट है. एक सिंप्लीफाइड मीनिंग देने की कोशिश की उन्होंने ट्रूथ की. ये पैदा क्यों हो रहे हैं, मर क्यों रहे हैं? क्योंकि हद से ज्यादा फ्री टाइम इंसानों में आ गया. अब यही चीजें वो सोच रहा था. पहले तो खाना जमाना, जानवरों को मारना, बस यही था. लेकिन अब क्या है, सभी सफिशियंट है तो बैठ के क्या करेगा, ज्यादा सोचेगा. ट्रूथ को एक सिंप्लीफाइड मीनिंग में देने की कोशिश. एम्फोसिस ऑन कर्मा देन रिचुअल्स. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, कोई अगर गलत काम करता है, कुछ भी अगर पाप करता है तो आके ब्राह्मणों को कुछ खिलाओ या फिर कुछ बलि वगैरह दो. ऐसा कैसा होगा कि तुम्हारे पाप सभी मिट जाएंगे? इम्पॉसिबल है. तो रिचुअल्स नहीं, तुम्हारे कर्मा पर ज्यादातर एम्फोसिस दो. यानी कि तुम पहले अच्छी जिंदगी तो जियो, पुण्य के काम करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारी जिंदगी सही होगी. सोशल ग्रुप्स जो अलग अलग थे उनका पावर इंक्रीज होता है, जैसे कि क्षत्रिय और वैश्य. दरअसल वैदिक एज के बाद सबसे ज्यादा डोमिनेशन जो है वो क्षत्रिय करते हैं, महाजनापदास के टाइम फ्रेम में. बाद में ये बड़े बड़े एम्पायर जो है वो क्षत्रिय ही एस्टेब्लिश करते हैं. और बाद में वैश्य, इवन क्षत्रियाज भी वैश्य पर डिपेंड करते थे. क्यों? क्योंकि ट्रेड बहुत जरूरी है. जब तक मनी का इन्फ्लक्स नहीं हो गया सभी चीजें सस्टेन नहीं होते. तो वैश्य और क्षत्रिय जैसे इंपॉर्टेंट सोशल ग्रुप्स का इमर्जेंस होता है. कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया गया. बुद्धिज्म जैसा रिलीजन खुली बाहों से सबको लेकर अपने सीने से लगा रहा था. हम क्यों जाए वहां पर ब्राह्मणों के पास? वो खुद कह रहे हैं कि तुम शूद्र हो. जब वो मुझे नीचा दिखा रहा तो मैं क्यों जाऊं? तो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया. और सभी के बीच सोशल हारमोनी लाने की कोशिश की गई. जब कास्ट सिस्टम ही नहीं होगा तो सोशल हारमोनी ही आएगी. तो इसके रीजंस क्या क्या थे, अभी जितना भी मैंने डिस्कशन किया वो सब रीजंस ही थे. ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी ज्यादा हो रही थी, वरना सिस्टम की रिजिडिटी भी पड़ रही थी. अर्ली वैदिक एज में ये प्रोफेशन के बेसिस पर हुआ था, लेकिन अब क्या हो रहा था, ये बर्थ के बेसिस पर हो रहा था. ठीक है, वैदिक प्रैक्टिस और रिचुअल्स बहुत ही ज्यादा होते थे. इंडिस्क्रिमिनेट कैटल सैक्रिफाइसेस भी किए जाते थे. हमने क्या देखा, खुद वैदिक एज में हमने देखा कि कैटल को कितना प्रोमिनेंस दिया जा रहा था, क्योंकि एग्रीकल्चरलिस्ट सोसाइटी थी वहां पर. लेकिन यहाँ पर आहिस्ता से कैटल को स्लॉटर करना शुरू किया हुआ था. ठीक है, और न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का भी स्प्रेड हो रहा था. गैंजेटिक बेसिन में दूर दूर तक लोग फैल रहे थे, तो नए नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट भी आ रहे थे. ट्रेड और कॉमर्स का इन्फ्लक्स भी अच्छा हो रहा था. ऑलरेडी हमने इंडस के टाइम फ्रेम में ही देखा कि मेसोपोटेमिया, इजिप्शियन जैसे लोगों के साथ हमारे ट्रेड्स थे. अब तो इवन चाइना के पास भी हम जा रहे थे, अलग अलग एरियाज में भी हम अपना ट्रेड कर रहे थे. और वैश्य और क्षत्रिय का भी ग्रोइंग इंपॉर्टेंस बढ़ रहा था. और लोग एक नई लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करना चाहते थे जो कि सिंपल था, एसेटिक था, ज्यादा ताम झाम नहीं, बस आसानी से जी के निकलेंगे. और इसी श्रमणा मूवमेंट्स में से पहले पैदा होने वाला जो रिसर्जेंट मूवमेंट था, दैट इज जैनिज्म. ठीक है, जैनिज्म में भगवान का कॉन्सेप्ट है बेटा, लेकिन भगवान के उस कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है. आई विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो. तो जैनिज्म में तीर्थंकरास हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि उनके गुरु. पूरे 24 तीर्थंकरास है जिनके बारे में आपको बहस करने की जरूरत नहीं है. तीन बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले भगवान ऋषभदेवा, 23rd वन भगवान परश्वनाथा, और 24th वन द इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग ऑल ऑफ देम इज भगवान महावीर स्वामी जी. ठीक है, महावीर जो जिन्हें आप कहते हैं कि फाउंडर ऑफ जैनिज्म है, वो दरअसल फाउंडर ऑफ जैनिज्म नहीं है, ही इज रिवाइवर ऑफ जैनिज्म. ठीक है, हमें इन सभी 24 एक्सेप्ट फॉर 23rd एंड 24th हमें किसी का टाइम फ्रेम भी नहीं पता है. ठीक है, तो दरअसल ये तीर्थंकरा का कॉन्सेप्ट क्या है, एक स्पिरिचुअल टीचर है बेटा. अभी हमने देखा बर्थ और डेथ का लाइफ साइकिल चल रहा है. ठीक है, ये एक समंदर की तरह हम इसमें पड़े हुए हैं, तो समंदर को पार करने के लिए एक पैसेज, एक फॉर्मिडेबल पैसेज बना के देता है एक तीर्थ.
और उसी तीर्थंकरा को फॉलो करके हम इस संसारा के कॉन्सेप्ट से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि पूरी तरीके से निर्वाणा और कैवल्य जिसे हम कहते हैं वो हम पा सकते हैं, यानी कि एक स्पिरिचुअल टीचर। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाँ लकी सर, जैनिज्म का तो कोई फाउंडर नहीं है ना? जैनिज्म का फाउंडर तो हम नहीं कहेंगे, भगवान ऋषभ देवा को ही हम मानेंगे एज अ फाउंडर ऑफ जैनिज्म, बट डिस्कशन यहाँ पर महावीर पर आता है कि महावीर को हम जैनिज्म का फाउंडर नहीं रिवाइवर कहेंगे। अभी आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि इस्लाम का फाउंडर कौन है? प्रॉफेट मोहम्मद। प्रॉफेट मोहम्मद मोहम्मद पैगंबर। सिमिलर यही चीज, प्रॉफेट मोहम्मद इज नॉट फाउंडर ऑफ इस्लाम, ही इज रिवाइवर ऑफ इस्लाम। इस्लाम में भी सेम कॉन्सेप्ट है, 124,000 पैगंबर आते हैं, प्रॉफेट्स यानी कि मैसेंजर्स। तो सबसे पहले मैसेंजर एडम थे, आपने सुना होगा एडम एंड ईव की कहानी, सुनी ना आपने? ये क्रिश्चियनिटी में है, तो सिमिलरली मुसलमानों में भी बाबा आदम और माँ हवा कहा जाता है उन्हें। तो पहले पैगंबर आदम, हमें पता नहीं टाइम फ्रेम, लेकिन लास्ट जो आने वाले थे वो प्रॉफिट मोहम्मद थे। तो सिमिलरली जैनिज्म में भी ऋषभ देवा पहले थे और आखिरी भगवान महावीर थे। तो इस कॉन्सेप्ट रिवाइवर मतलब फिर से वापस से जागरूक करने वाला, उसे वापस से रीएस्टैब्लिश करवाने वाला। तो इस कॉन्सेप्ट को बेटा याद रखिएगा स्पिरिचुअल टीचर, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट भक्ति मूवमेंट में सूफिज्म में आता है, पीर और मुरीद का कॉन्सेप्ट। आई विल एक्सप्लेन यू दैट, ठीक है? मुझे वहां पर याद दिलाना, बहुत ही जबरदस्त सा एक कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली कि हाथ पकड़ के आप अपने फॉलोअर को एक अच्छे मार्ग में ले जाते हैं। और यहाँ पर एक और चीज भी कि ये सभी के इमेजेस पोर्ट्रेट्स हमारे पास नहीं है, सभी आप किसी भी जैन मंदिर में जाइए आपको सभी स्टैचूस इसी तरीके से दिखेंगे, बट देयर इज डिस्टिंक्शन। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ऋषभ देवा इज रिप्रेजेंटेटेड बाय बुल, भगवान अजितनाथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एलिफेंट, यहाँ पर देखो लायन है। कैन यू सी द इमेज? यस सर। लायन कहाँ पर है? लायन यहाँ पर है, यानी कि ये भगवान महावीर की मूर्ति है। तो इस तरीके से जब कभी भी आप नेक्स्ट जैन मंदिर में जाएं तो मेक श्योर कि वहां पर डीर है, गोट है, लोटस है, मून है, क्रोकोडाइल है, तो उसके बेसिस पर आप पहचान सकते हैं कि किस तीर्थंकरा की ये मंदिर है। तो आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट रिवाइवर महावीर के बारे में ही पढ़ेंगे। यस बेटा। सो व्हाट इज नंदा? नंदा, हेलो। यस सर, नंदार्थ। आई डिडंट अंडरस्टूड, नंदार्थ? नंदा आर्ट। नंदा आर्ट? यस सर। वेयर इज दैट, कहां पर है वो? सर एक जस्ट अ सेकंड सर, भगवान आर्यनाथ जी के सामने है सर, गोट के नीचे। कहां पर है यार? कुछ आयरावर्त टाइप होगा यार। हाँ एक बार गूगल में देख लो ना क्या बेटा। ओके सो महावीर आखिरी हमारे तीर्थंकरा थे जिन्होंने पूरी तरीके से हमारे इस जैनिज्म को रिवाइव किया हुआ था, ठीक है? तो इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन 540 BC। हाँ कल एक और बच्चे ने भी कंफ्यूजन किया हुआ था, ही वॉज आस्किंग अबाउट महाजनपदा 600 BC। मुझे बाद में समझ में आपका डाउट बेटा, हम इसे 6th century BC कहते हैं, सेंचुरी आने के 100, तो 600 BC के आसपास ही, 6 BC नहीं है ये, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है? तो आयरन एज तो रफली हम 1200 BC से लेकर 800 BC के आसपास ही देखते हैं। बीसी में क्या होता है बेटा, टाइम ना ऐसा उल्टा जाता है, 800, 700, 600। एडी में क्या आ जाता है? 600, 700, इस तरीके से जाता है। तो अराउंड 600 मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। हाँ बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो इसी टाइम फ्रेम के थे सभी, यानी कि महाजनपदास जो चल, इसी टाइम फ्रेम में महाजनपदास भी चल रहे थे ना, तो 540 बीसी में कुंदनग्राम जो कि बिहार, इनका पूरा बिहार यूपी के रीजन में ये बैठा, क्योंकि महाजनपदास तो ईस्टर्न साइड ही फ्लरिश हो रहे थे, तो जाहिर सी बात थी कि कुंदनग्राम वैशाली बिहार में इनकी पैदाइश हुई। और 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया हुआ था, वो भी क्षत्रिय थे और एक एसेटिक बन गया, यानी कि संन्यास उन्होंने लिया। और 42 ईयर्स की उनकी एज थी जब उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी कि परफेक्ट नॉलेज, अगर मैं हमारी रैंडम भाषा में कहूँ तो ही अंडरस्टूड द ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि इंसान जीता क्यों है। अब उससे बड़ी चीज तो और क्या हो सकती है, इंसान जिंदगी में उसकी आंखें खुल जाए और उसे पता चल जाए कि ये सब चीजें हैं क्या।
तो एट द एज ऑफ 42 साल ट्री के अंडर जो है ना जाम्बिका ग्राम जिसे कहा जाता है जो कि रिवर रिजुपालिका ये भी उसी बिहार के रीजन में ही है, तो वहीं पर उन्हें ये कैवल्य जो है वो प्राप्त हुआ था और उन्होंने अपना पहला सरमन पावापुरी में दिया हुआ था बेटा अपने 11 डिसाइबल्स जिन्हें हम गांधारास कहते हैं, ठीक है, रिमेम्बर दिस 11 डिसाइबल्स हैं उनके गांधारास, और पावापुरी में ही उनकी मौत हुई जो कि बिहार में ही है एट द एज ऑफ 72 468 BC। एंड गोइंग अहेड क्या क्या इंपॉर्टेंट से टीचिंग्स हैं जैनिज्म के, तो यहाँ पर 5 प्रिंसिपल्स हैं, जस्ट लाइक हम इस्लाम में भी कहते हैं ना कलमा है, नमाज है, रोजा है, जकात है, हज है, उसी तरीके से जैनिज्म में भी 5 प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहला अहिंसा। सर ये क्या है सर प्रिंसिपल्स, यानी कि जैन एक जैन बनने के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अहिंसा फॉलो करना पड़ेगा, नॉन वायलेंस, सत्य आपको हमेशा सच ही बोलना पड़ेगा, आस्थेय यानी कि चोरी वगैरह आप नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य आपको फॉलो करना पड़ेगा, चास्टिटी और अपरिग्रह यानी कि नॉन पोसेशंस, वेल्थ आप अपने आप में ना वो जमा करके रखते हैं ना लोग वेल्थ, तो उस तरीके का काम आपको नहीं करना पड़ेगा। ये जो 4 है अहिंसा सत्य आस्थेय और अपरिग्रह ये 23rd तीर्थंकर अपरश्वनाथा ने दिया हुआ था, लेकिन एक आखिरी जो था ये ब्रह्मचर्य, ये हाँ सर एक बार और सर एडी और बीसी को थोड़ा सा रिपीट कर दें सर, एडी मतलब पहले और बीसी मतलब नहीं, बीसी मतलब पहले, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के आने के पहले, क्योंकि हम जो फॉलो करते हैं वो जॉर्जियन कैलेंडर है अंग्रेज वालों का कैलेंडर जीसस क्राइस्ट की पैदाइश से ही शुरू होता है, तो उससे पहले जो कुछ भी चीजें हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, बाद में एडी यानी के लैटिन वर्ड एनी डोमिनो, इसे दर चंद लोग आफ्टर डेथ भी कहते हैं, यानी कि क्राइस्ट के आने के बाद, तो अभी हम बीसी में है, अभी जीसस क्राइस्ट की पैदाइश नहीं हुई। तो ये आखिरी वाला सेलेबसी या ब्रह्मचर्य का जो था वो वर्धमान महावीरा ने ऐड किया हुआ था। टीचिंग्स क्या क्या है जैनिज्म के, सबसे इंपॉर्टेंट त्रिरत्न इन्हें कहा जाता है, 3 इंपॉर्टेंट सी चीजें जिनकी मदद से आप ये वर्ल्डली बॉन्ड्स को तोड़ के ना आप लिबरेशन पा सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। सही नॉलेज रखना हर चीज का, कोई भी चीज हो उसे लॉजिक के साथ आप सवाल करें, राइट फेथ, आपका जो ईमान है वो सही होना चाहिए, और राइट एक्शन आपके पास होना चाहिए, जो कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं ना वो सही होना चाहिए। सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट टीचिंग्स और त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म, दैट इज राइट नॉलेज, फेथ एंड एक्शन। सो गोइंग अहेड, जैसे कि मैंने कहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को रिकॉग्नाइज जरूर करता है, लेकिन वो जिना के लोअर रखते हैं, जिना यानी के कॉन्करर, अभी आप वर्धमान महावीरा को जिना भी कहते हैं दरअसल, क्योंकि सभी चीजों को उन्होंने कॉन्कर किया ना, दुनिया जो कुछ भी चीजें हमें दिख रही थी उन्होंने तो कैवल्य प्राप्त किया हुआ था, यानी कि जिना के नीचे है गॉड, और गॉड का कोई ज्यादातर यहाँ पर लेना देना नहीं है क्रिएशन में। और वर्ना सिस्टम को इन्होंने कंडेम नहीं किया, जबकि बुद्धिज्म अगेन ब्लैक और ब्लू जो है वो वर्ना सिस्टम को कंडेम कर रहा था, गौतम बुद्ध को जहां कहीं पर भी बहाना मिलता था लिटरली वो टूट पड़ते थे वर्ना सिस्टम पर। तो महावीर को ये लगता था कि अगर आप लोअर और हायर वर्ना में पैदा हुए हैं वो आपके पिछले बर्थ का कहीं ना कहीं सिंस आपने कमिट किए हुए, इसीलिए आज के इस जन्म में आप शूद्र या फिर वैश्य इस तरीके के डिस्टिंक्शन के साथ आप पैदा हुए। लेकिन कॉन्सेप्ट वही है बेटा तीर्थंकरा का, कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ा के उस मार्ग से लेकर चलूंगा, तुम मेरे साथ जरूर आना, दैट इज वॉट इट इज। तो जैनिज्म का स्प्रेड आहिस्ता से होता गया, बहुत ही बड़ा फैमिन आया हुआ था उसी टाइम फ्रेम में, वर्तमान महावीरा के गुजर जाने के चंद सालों बाद ही, तो ऐसा से लोग ना बिखरने शुरू हो गए। लेकिन सबसे बड़ा डिवाइड जो है वो नॉर्थ साउथ का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जब वो चंद्रगुप्त मौर्य बेटा हम मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ेंगे, मौर्यन डायनेस्टी के एस्टैब्लिशर और फाउंडर, तो कहा जाता है कि वो अपने आखिरी दिनों में उन्होंने गद्दी छोड़ी हुई थी अपने बेटे के लिए, और भद्रबाहु बहुत ही बड़े जैन जो थे मॉन्क थे उस टाइम फ्रेम में भद्रबाहु, तो उनके साथ वो श्रावण बेलगोला आए हुए थे साउथ में, ठीक है, कर्नाटक के रीजन में, तो यही पर वो रह गए और संलेखन उन्होंने परफॉर्म किया हुआ था। संलेखन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैनिज्म में जहां पर आहिस्ता से खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया जाता है, इसे फोर्स्ड डेथ भी कहा जाता है, यानी कि जब एक जैन मुनि को लगता है कि अब मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है तो वो पहले खाना छोड़ देता है सॉलिड्स, उसके बाद फ्लूइड्स दूध वगैरह सब, आखिर में पानी भी छोड़ता है टिल ही डाइस, तो उसे संलेखन कहा जाता है। तो संलेखन उन्होंने परफॉर्म किया हुआ था, तो भद्रबाहु और उनके फॉलोअर्स साउथ में ही रह गए, और वहां पर हमें कर्नाटक के रीजन में आज भी जैन्स का पॉपुलेशन बहुत ही अच्छा है, तो वहां पर जो रुक गए उन्हें दिगंबर्स कहते हैं, और जो नॉर्थ साइड में रुक गए उन्हें श्वेतांबर्स कहते हैं। सर अब यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं ना, यही है फर्क, जो भद्रबाहु के साथ साउथ में आ गए वो प्योरली वर्धमान ने जो कुछ भी सिखाया उसी पर, इवन कपड़े भी मत पहनो वर्धमान महावीरा ने कहा,
तो वो कपड़े भी नहीं पहनते, आप कभी दिगंबर मुनिस को देखेंगे साउथ इंडिया में तो इसी तरीके से देखेंगे, लेकिन श्वेतांबर थोड़े बहुत एडवांस्ड हो गए जमाने के साथ साथ, वो बदल गए, कपड़े भी वो पहनने लग गए, तो यही बेसिक डिफरेंस है। आपको गुजरात राजस्थान में जो जेंट्स दिखेंगे वो ज्यादातर श्वेतांबर दिखेंगे, और जो साउथ में दिखेंगे कर्नाटक रीजन में वो दिगंबर हैं। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है जैनिज्म का, ठीक है, और इवन वर्ण ऑर्डर को इन्होंने फाइट किया हुआ था, इनका पर्पस ही था वर्ण ऑर्डर के खिलाफ लड़ना और रिचुअलिस्टिक वैदिक रिलीजन के खिलाफ, खुले तौर पर ईट की ईट बजाते थे वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्ध, जहां भी जरूर जहां भी उन्हें मौका मिलता था लिटरली दे यूज्ड टू स्टैंड एंड यू नो पूरी तरीके से धोके रख देते थे। संस्कृत लैंग्वेज को उन्होंने डिस्कार्ड किया, संस्कृत किसकी लैंग्वेज थी, अरे एलाइट लोगों की थी, सिर्फ ब्राह्मण लोग इस्तेमाल करते थे, जो बाकी शूद्र वैश्य क्षत्रिय थे वो तो जो प्राकृत या फिर मागधी जो इस तरीके के छोटे छोटे लैंग्वेजेस है, हाँ पाली, उसे इस्तेमाल करते थे। तो रीजनल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जैनिज्म ने, बहुत ही जबरदस्त सा लिटरेचर आज भी हमें देखने को मिलता है। तो आपस भ्रमसा भी एक काइंड ऑफ डायलेक्ट है जिसे जिसमें बहुत ही ज्यादा लिटरेचर लिखा गया है जैनिज्म का, तो वो भी कंट्रीब्यूशन है। और सबसे पहली बार कहीं ना कहीं आइडल वर्कशिप के एग्जांपल्स भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। स्टोन में बहुत खूबसूरत से इस तरीके से अलग अलग तीर्थंकराओं की मूर्तियां बनाई जाती थी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर मूर्ति के नीचे ना आपको यहाँ पर एक एनिमल दिखेगा, यहाँ पर तो दोनों लायन ही है यानी कि महावीरा के ही है, तो इस तरीके से खूबसूरत सी मूर्तियां बनाई जाती थी। और आहिस्ता से आइडियल वर्कशिप जो है बौद्ध जैनिज्म और बुद्धिज्म में भी आना शुरू होता है। लिटरेचर है बेटा अर्ध मागधी प्राकृत लैंग्वेज में ही ये लिखा गया है, ठीक है, श्वेतांबर ज्यादातर इसे इस्तेमाल करते थे। तो जो होली स्क्रिप्चर्स हैं वो 12 अंगास हैं, 12 उपअंगास, जैसा हम वेदास कहते हैं उपनिषद कहते हैं ना पुराणास वगैरह, उसी तरीके से जैन वालों के 12 अंगास हैं, 12 उपअंगास हैं, 12 पारिकरणास हैं, ठीक है, ये 6 सूत्रास हैं, 4 मूल सूत्रास हैं और कई ज्यादा सूत्र ग्रंथास उनके पास हमें देखने को मिलते हैं। और भद्रबाहु ने संस्कृत में किताब भी लिखी हुई थी कल्पसूत्र, और भद्रबाहु चरित्र भी लिखा गया था, और बाद में परिष्ठा पर्वन, ये हेमचंद्र बहुत ही बड़े एक जैन स्कॉलर थे उन्होंने लिखी हुई थी बेटा। तो दिस इज समथिंग रिगार्डिंग जैन लिटरेचर। अब जो के 24 के 24 तीर्थंकरास आके चले गए, इसका मतलब ये तो नहीं कि रिलीजन में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा, कोई ना कोई चीज देखो, द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इज चेंज, चेंज हर जगह पर जरूरी। हेलो बेटा, आर यू देयर, हाउ इज द जोश? हाय सर, हाय सर, हाय सर, हाय सर, यूट्यूब के बच्चे बहुत हाय सर, हाँ मुझे लग रहा है बस मैं तन्हाई से बात कर रहा हूँ, इतनी खामोशी बर्दाश्त नहीं होती। ओके, कोई बात नहीं, बच्चे जिंदा हैं। सो द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट चेंज, तो चेंज तो हर जगह पर आता है, तो जाहिर सी बात है कि जो कोई भी जमाने के हिसाब से चेंजेस लाने की जरूरत थी, तो जो जमाने के बड़े बड़े जैन मुनि थे उन्होंने इस तरीके के काउंसिल्स जो है वो रखे हुए थे जहां पर डिस्कशंस हुए। तो याद रखो जैनिज्म में 2 काउंसिल्स आते हैं, इस तरीके से बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जैनिज्म का पहला बड़ा काउंसिल रखा गया था 300 BC में पाटलिपुत्र में, जो कि उस वक्त का कैपिटल ही था। स्थूल भद्रा जो थे वो चेयरमैन थे, स्थूल भद्रा बहुत बड़े जैन मुनि थे। तो यहाँ पर पहली बार जो 12 अंगास थे उसे कंपाइल किया गया था, यानी कि इन 12 अंगास को कंपाइल करके कहा गया था कि अब ये तुम्हारा सेक्रेट किताब है। सेकेंड जैन काउंसिल वो 512 AD में होता, देखो बहुत ही टाइम गैप है, BC से अब हम AD में आ गए। तो वल्लभी गुजरात के रीजन में हुआ था, देवरदीक शम्स रमणा वहां पर बहुत बड़े जैन मुनि थे, उन्होंने प्रिसाइड किया हुआ था। और यहाँ पर फिर से 12 अंगास और 12 उपांगास यानी कि उसके एक्सप्लेनेशंस को फाइनल कंपाइलेशन करके जैनिज्म को मुकम्मल रिलीजन के नाम पे दिया गया था। सो दिस वाज ऑल यू हैड टू नो अबाउट जैनिज्म। डिक्लाइन क्यों हुआ जैनिज्म का? रॉयल पैट्रोनेज इन लोगों को उतना नहीं मिला जितना बुद्धिज्म को मिलता था। बुद्धिज्म का स्प्रेड बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुआ। अभी देखो हमने देखा जैनिज्म में चंद ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो लिटरली ब्राह्मण से ज्यादा मिलते जुलते थे। वर्णा सिस्टम को ओपनली कंडेम नहीं किया, महावीर ने खुद ओपनली कंडेम नहीं किया, वो खुद कह रहे थे कि तुम अभी के जन्म में अगर तुम शूद्र हो यानी कि पिछले जन्म में तुमने कुछ गलत काम किए हुए तो लोग क्यों फॉलो करेंगे जब कोई डिफरेंस ही नहीं है तुम्हारे में उसमें, ठीक है। तो एफर्ट्स ज्यादातर नहीं किए गए। अब देखो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ओपन तौर पर कहा गया कि तुम दुनिया को ही छोड़ दो, ठीक है, सेलेबसी को फॉलो कर लो। महावीर ने यहाँ तक कहा कि कपड़े ही छोड़ दो। हर किसी के लिए ये तो इम्पॉसिबल है ना बेटा कि इतना ऑस्टेरिटी हम फॉलो करें, हम तो आम इंसान है, हमें मध्यम मार्ग चाहिए। यही एक प्लस पॉइंट था गौतम बुद्धा का, जिसने पूरी तरीके से आउटशाइन कर दिया हुआ था उस जमाने में, क्योंकि उन्होंने गौतम बुद्धा फाउंडर थे ना बुद्धिज्म का।
हाँ गौतम बुद्ध फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, मैं अभी वहां पर आता हूँ, ठीक है। तो बुद्धा ने पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया हुआ था चीजों को, बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल इंसान थे वो, ठीक है। इतनी सिवियरिटी फॉलो नहीं कर सकता था कोई भी उस जमाने का। और ऐसा से जैनिज्म में भी बहुत बुरी तरीके से फ्रैक्शनलिज्म पड़ गया, सेक्टेरियनिज्म हो गया। अभी ये श्वेतांबर दिगंबर का झगड़ा भी हम देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात थी कि सभी चंद इंपॉर्टेंट से रीजन थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। तो आइए अगले हीरो को वेलकम करते हैं। हाँ आयुष सर, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने वो अपनाया था बुद्धिस्ट जैनिज्म, तो सर वो कौन, श्वेतांबर वाला था या दिगंबर वाला ज्वाइन किया था उन्होंने? अभी अभी लड़ाई झगड़ा उनके बीच नहीं हुआ था, लेकिन हम दिगंबर्स को ट्रेस करते हैं वहां से, ठीक है। दिगंबर्स सल्लेख, नहीं नहीं सुनो, सल्लेखन कॉन्सेप्ट तो सभी जैनों के लिए, प्लीज म्यूट दैट, आई विल टेल यू। सल्लेखन का कॉन्सेप्ट बेटा जैनिज्म में अवेलेबल है। जैनिज्म के सेक्ट्स हैं दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। सल्लेखन दिगंबर और श्वेतांबर में नहीं है, सल्लेखन जैनिज्म में है, बहुत फर्क है। जस्ट लाइक मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, नमाज शिया या सुन्नी लोगों की नहीं होती, शिया या सुन्नी आर सेक्ट्स इन इस्लाम, ठीक है। तो वो फर्क है, आई होप दैट इज क्लियर। यस सर, यस सर। तो अगले हीरो को नो डाउट वेलकम करते हैं, गौतम बुद्ध। दुनिया आम तौर पर चल रही थी, खामोश चल रही थी, लेकिन द मोमेंट गौतम बुद्धा केम ही रेवोल्यूशनराइज्ड द थिंग्स टोटली। पूरी तरीके से उस जमाने को आसपास भी इनकी इंटेलेक्चुअलिटी के कोई लग नहीं सकता था। आप इन ट्रू टर्म्स कह सकते हैं द वेरी रियल हीरो हु ब्रॉट रेवोल्यूशन। देखिए जाहिर सी बात थी उस वक्त पॉपुलेशन बहुत ही कम था लोगों का, ठीक है। लोग जमा हुए थे एक जगह पर, आहिस्ता से कॉन्सेप्ट्स आ रहे थे, तो लोगों को पूरा एक धर्म चक्र परिवर्तन करवा दिया था। यानी कि जिस तरीके से दुनिया चल रही थी ना, उसके रुख को ही बदल देने वाले पर्सनालिटीज में से पहले आप कह सकते हैं गौतम बुद्ध। ऐसा नहीं कि महावीर नहीं थे, क्या महावीर भी थे, महावीर इतने अग्रेसिवली नहीं गए जितने अग्रेसिवली गौतम बुद्धा गए हुए थे। कहा जाता है कि बुद्धा की ज्यादातर 80% ऑफ द जिंदगी ट्रैवलिंग में ही चले गई, जगह से जगह वो जाते थे। अब उनके पास एक वजह थी जिंदगी जीने की, तो जाहिर सी बात थी कि वो लोगों में जा रहे थे, लोगों को अपना मैसेज देके आम कर रहे थे। इसीलिए तो आज भी हम बुद्ध को महात्मा कहकर बुलाते हैं, आज भी हम उन्हें याद करते हैं। तो उनका असली नाम सिद्धार्थ था, महावीर के कंटेम्प्ररी ही थे बेटा। उनकी पैदाइश 567 BC में हुई थी, सख्या क्लैन, इसीलिए उन्हें सख्या मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि सख्या क्लैन में पैदाइश हुई थी। तो यहाँ पर है लुम्बिनी, नेपाल, आज के नेपाल में, कपिलवस्तु। और उनकी माँ जो थी वो कोसलन डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। तो यहाँ पर देखो शुद्धोधन उनके पिताजी का नाम था, महामाया उनकी माँ थी, पैदा होते ही महामाया की मौत हो जाती है, तो वो उनके स्टेप मदर गौतमी उन्हें पालती हैं। तो सिद्धार्थ की शादी यशोधरा के साथ होती है और दोनों का एक बेटा राहुल। दिस इज बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ गौतम बुद्धा। तो ये कहानी आप सभी बेहतर जानते हैं कि उन्हें किंगडम से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, फोर्ट में ही रखा जाता था। लेकिन चोरी से एक बार जब वो बाहर गए तो एक बूढ़े आदमी को देखा, एक मैयत को उन्होंने देखा और एक बीमार आदमी को देखा। उनका दिल जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया इन चीजों को देख के। तो सवाल वहां पर भी उन्होंने शुरू होते, जाहिर सी बात है कि कोई भी जवाब चाहिए तो पहले आपको सवाल करना पड़ेगा। तो ही वॉज वेरी यंग एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट द होम, बेटा ऑलरेडी उनका था, छोटा था बहुत। तो एट द एज ऑफ 35 भटके वो पहले जंगल यहाँ वहां भटके, तो बाद में एनलाइटमेंट मिला उन्हें, बोधगया ट्री अंडर अ पीपल ट्री, ठीक है। बोधगया बिहार में ही है, ये सभी यूपी बिहार के रीजन में ही चल रहा है बेटा, क्योंकि यही पर थे ना सभी महाजनपदा। तो बोधगया के अंडर, बोधगया में एक पीपल ट्री के अंडर उन्हें एनलाइटमेंट मिला और पहला सरमन स्पीच उन्होंने सारनाथ में दिया हुआ था बनारस में, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। वो स्पीच आज भी हिस्टोरिक मानी जाती है, क्योंकि दुनिया के चलने का रुख बदल दिया गया था। लोग आम जिंदगी जी रहे थे, पूरी तरीके से डिसरप्शन लाया हुआ था। सोच पहली बार गौतम बुद्धा ने ही दी हुई थी। तो 80 साल की उम्र में उनकी मौत हो जाती है 487 BC इन अ प्लेस कॉल्ड कुशीनारा। एनडीए के बच्चों को पूछा गया है कुशीनारा या कुशीनगरा, ये भी बिहार में है बच्चों। रिसेंटली वहां पर एक मोदी जी ने जाके एयरपोर्ट भी ओपन किया हुआ था, ठीक है। तो मॉडर्न डे, सॉरी यूपी, ईस्टर्न यूपी के रीजन में यहाँ पर है कुशीनारा, कहां पर, यहाँ पर है। ओके, सो डॉक्ट्रिन क्या है बेसिक बुद्धिज्म का? अभी हमने देखा कि रीजंस दोनों के सेम ही थे, जैनिज्म और बुद्धिज्म की पैदाइश श्रमणा मूवमेंट्स का ही आउटकम था, ठीक है। क्वेश्चन करना ब्राह्मणिकल रिलीजन को कि तुम्हारी सुप्रीमसी क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ पर रीजन के बुद्धा बाकी आजीविका सेक्ट्स हो या फिर जैनिज्म हो या फिर उस जमाने में योगिक प्रैक्टिसेस भी बहुत ही होते थे सेंट्स वगैरह के बीच, लेकिन सभी को आउटशाइन करने का सबसे इंपॉर्टेंट सा रीजन एक ही था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकलिटी के करीब थे, पूरी तरीके से प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे, रियलिटीज को बहुत ही करीब से वो जानते थे। वो अपने आप को कभी भी जिंदगी में फ्रूटलेस कॉन्ट्रोवर्सीज में उन्होंने रखा ही नहीं, जैसे कि आत्मा, ब्रह्मा, क्रिएटर,
ये सब ही है ही नहीं, दिस इज व्हाट यूज्ड टू से क्रिएटर हैज नथिंग टू डू विद क्रिएशन, हम बस ऐसे इसी तरीके से चल रहे हैं। तो ज्यादातर उन्होंने अपना टाइम जो है वो वर्ल्डली प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करने में लगाया हुआ था। अरे जिंदगी में अगर तुम्हारी मुश्किल है तो उस पे बैठो ना, जिंदा हो तो पहले हरकत तो करो, मौत के बाद का भी क्यों सोच रहे हो, तुम मरे तो नहीं हो। दिस इज वन सच रीजन व्हाई गौतम बुद्ध आउटशाइंड रेस्ट ऑफ द पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अष्टांग मार्ग उन्होंने दिया हुआ था, यानी कि निर्वाण अटेंड करना हो, रिमेंबर कैवल्य इज फाउंड इन जैनिज्म, निर्वाण इज फाउंड इन बुद्धिज्म, दोनों का मीनिंग सेम ही है, मोक्ष का प्राप्त करना। तो निर्वाण अगर कोई पाना चाहता है, इस बंधन को तोड़कर खुद को लिबरेट करना चाहता है, तो आठ पाथ्स हैं जो उसे फॉलो करने हैं, आठ तरीके। एक तो राइट व्यू, नजरिया अपना सही रखिए, राइट इंटेंशंस, तुम्हारे नियत सही होनी चाहिए, राइट स्पीच, जब भी बात करो सही बात करो, राइट एक्शन, तुम्हारे काम सही होने चाहिए, राइट लाइवलीहुड, सही तौर पर मेहनत करके जियो, राइट एफर्ट लगाना चाहिए, कोई भी चीज हो, काम जो कुछ भी कर रहे हो शुद्ध निष्ठा के साथ करनी चाहिए, राइट कॉन्सेंट्रेशन, अगर मेडिटेट करने के लिए बैठो तो कॉन्सेंट्रेशन सही लगाओ, और राइट माइंडफुलनेस, जब भी काम करो दिमाग लगाकर सोच लगाकर ही काम करो। सो बेसिक दीज आर एट फोल्ड पाथ्स दैट आर कॉल्ड एज अष्टांग मार्ग इन द बुद्धिज्म, जस्ट लाइक त्रिरत्नास इन जैनिज्म। तो बुद्धिज्म गॉड और सोल का एग्जिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं मानता, आत्मा है, भगवान है, मुझे नहीं चाहिए, दिस इज व्हाट गौतम बुद्ध सेड, और कॉमन पीपल को ओपनली अपील किया कि वरना सिस्टम को अटैक करो, खुली तरीके से छोड़ दो, क्यों हम अपने खुद के बीच ये क्रिएट ये अननेसेसरी बाउंड्रीज बना रहे हैं कि वो सुपीरियर है, ये इंफीरियर है, सभी के पास तो दो दो हाथ, दो दो पैर, दो दो आंख है, किस लिए? तो पीपल और सभी को भी खुली बाहों से एक्सेप्ट करते थे, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी हो, इवन वुमेन को भी वो खुले तौर पर अपने संघ में इम्पोर्टेंट है। संघ, संघ देखो वर्ड पहली बार आ रहा है, वैदिक एज से भी हम देख रहे हैं ब्राह्मणिकल रिलीजन आ रहा है स्लोली, ठीक है, जो अभी आप हम सनातन धर्म कह रहे हैं, लेकिन संघ एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो इसीलिए गौतम बुद्ध और बुद्धिज्म को हाँ वाशु गुप्ता सर, जैन धर्म सोल में, मतलब सोल में ट्रस्ट रखते थे। हाँ वही ना, वही तो कहा उन्होंने कि साइकिल चल रहा है यहाँ पर, और उस साइकिल को पार करने के लिए, जो बड़ा सा ओशन है उसे पार करने के लिए तीर्थंकर की जरूरत है। ओके सर, थैंक यू सर। तो संघ यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं अपनी खुद की आइडेंटिटी, अरे तुम मेरे साथ घूमते हो तो मेरे आदमी हो, यानी कि एक संघ में एक रिलीजियन ऑर्गेनाइजेशन पहली बार बनाने वाले दरअसल बुद्धिस्ट ही थे, गौतम बुद्धा ही थे, तो उस संघ के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लिखे गए थे। आहिस्ता से बाद में ब्राह्मण्स ने इन्हीं को देकर उल्टा वार किया हुआ था बुद्धिज्म पर, मैं डिक्लाइन में बात करूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो वुमेन को भी खुली बाहों से एडमिट किया जाता था, औरत है तो क्या, जब वैदिक रिलीजन में जिस तरीके से लेटर वैदिक एज में वुमेन को दरकिनार किया जा रहा था, हमने देखा कि चंद पुराणों में ऐसा भी दिया गया है, चंद ब्राह्मणों में ऐसा भी दिया गया है कि वुमेन जो है, गर्ल चाइल्ड जो है वो मिजरी लाती है, याद है कल के लेसन में हमने पढ़ा हुआ था, यानी कि वो बॉय चाइल्ड को जो है वो ज्यादातर प्रोमिनेंस दे रहे थे, लेकिन गौतम बुद्ध इस तरीके के कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं रख रहे थे, कास्ट का कंसिडरेशन नहीं था, वुमेन भी आसानी से आ सकते थे, ऑन पार विथ मेन, तो संघ का एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया हुआ था। और बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर हम चंद इंपॉर्टेंट सी बात करें तो त्रिपीठिकास हैं, तीन पीठिकाएं, पीठिका यानी कि बास्केट, ठीक है, क्योंकि दरअसल इन्हें पाम लीव्स पर लिखकर बास्केट्स में रखा जाता था, ये देखो कुछ इस तरीके से दिखते थे बुद्धिस्ट के इंपॉर्टेंट जो राइटिंग्स थे। तो सुत्त पीठिका, विनय पीठिका और अभिधम्म पीठिका, दोनों एनडीए और सीडीएस के बच्चों को पूछा गया बच्चों कपल ऑफ टाइम्स। तो सुत्त पीठिका में क्या है, बुद्धा के सेइंग्स हैं, क्या कहा गौतम बुद्ध ने रिकॉर्ड किया गया है, उनके फॉलोअर्स थे ना स्टूडेंट्स, उन्होंने रिकॉर्ड किया। विनय पीठिका, मोनेस्टिक कोड्स, अगर भिक्खुस और भिक्खुनीस यानी कि जो जैन मुनि बनते थे ना, जैन मुनि मर्द और औरत सिमिलरली मोनेस्टिक कोड, दैट मींस वही बोल रहा हूँ, अगर आप बुद्धिज्म में आकर यहाँ पर भिक्खु और भिक्खुनीस यानी कि आप अगर मुनि बनते हैं यहाँ पर, यानी कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बनते हैं, तो आप मोनेस्टिक कोड फॉलो करेंगे, ये होता है ना बच्चों क्या कहते हैं उसको, आश्रम टाइप, आश्रमों में जब रहते हैं ना तो वहां पर कोड, सर्टेन कोड फॉलो करना पड़ता है आपको। तो विनय पीठिका में मोनेस्टिक कोड दिया गया है हमें, और अभिधम्म पीठिका में रिलीजियस डिस्कोर्स, बुद्धा के साथ जो अलग अलग डिस्कशंस हुए हैं, जो उनके फॉलोअर्स ने उन्हें सवाल पूछे और जो जवाब बुद्धा ने दिए, जो बुद्धा के सरमंस हैं उन्हें रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। सुत्त पीठिका, विनय पीठिका और अभिधम्म पीठिका।
मिलिंदा पनो, ये बहुत खूबसूरत सा एक डिस्कशन है, हम लेटर टाइम्स में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। तो मिलिंदा मीनांडर नाम के एक किंग थे, इंडो ग्रीक किंग। वो दरअसल बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करने के पहले नागासेना नाम के एक बहुत ही बड़े बुद्धिज्म के एक मॉन्क थे। तो उन दोनों के बीच ना वार्तालाप चलता है। ये जैसा जैसा मिलिंदा सवाल करते हैं बुद्धिज्म के बारे में, नागासेना उसका जवाब देते हैं, और नागासेना से इंस्पायर होके मिलिंदा जो है वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते हैं। तो उसे भी रिकॉर्ड करके रखा गया, मिलिंदा पनो उसका नाम है, ठीक है। और श्रीलंका, अभी बाद में अशोक ने भेजा हुआ था अपनी बेटी और बेटे को श्रीलंका में भी बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। तो दीपवंश और महावंश जो है वो श्रीलंका के ग्रेट क्रॉनिकल्स माने जाते हैं, श्रीलंका की हिस्ट्री। और वहां और दरअसल ये दीपवंश और महावंश में हमें अशोका के भी रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कल ही मैंने कहा हुआ था कि ये जो ऋग्वेदा है ना बेटा, वो महज ऐसा नहीं कि वो हमारी एक रिलीजियस किताब है। हिस्टोरियंस वहां से हिस्ट्री भी ट्रेस करते हैं, क्योंकि हमें अपने कल्चर, ट्रेडिशन और इवेंट्स के बारे में पता चलता है जब हम ये किताबों को पढ़ते हैं। तो सिमिलरली दीपावंशा और महावंशा में भी हमें इस तरीके के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो जैन में दो काउंसिल्स थे, सिमिलरली बुद्धिज्म में भी चार इंपॉर्टेंट काउंसिल्स हुए थे बेटा, रिमेंबर, ठीक है। तो गौतम बुद्ध के मर जाने के बाद पीरियोडिकली जब जब जरूरत पड़ती थी अलग अलग डिस्प्यूट्स, डिसिप्लिनरी मैटर्स को डील करने के लिए, तो चार इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुए थे। सबसे पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था 483 BC में, राजगृह में हुआ था, ठीक है। महाकस्सपा उसके चेयरमैन थे, अजात शत्रु वो हरियंका डायनेस्टी, हम आगे पढ़ेंगे अब, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के बाद उन्हीं के बारे में। तो हरियंका डायनेस्टी के राजा थे अजात शत्रु, उन्होंने इसे कन्वीन किया हुआ था। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में वैशाली में हुआ था, सबकामी चेयरमैन थे, ये सभी बड़े बड़े बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं बेटा। तो काल अशोक थे उस वक्त, शिशुनागा डायनेस्टी, हरियंका के बाद शिशुनागा आता है, मैं आपको क्रोनोलॉजी बताऊंगा। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो 250 BC में होता है, पाटलिपुत्र, देखो राजगीर से पाटलिपुत्र आ रहा है यहाँ पर। मुगलीपुत्ता तिस्सा उस वक्त चेयरमैन थे, अशोका द ग्रेट, मौर्यन डायनेस्टी का जो नो डाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ ऑल टाइम्स, अशोक ने थर्ड काउंसिल रखा हुआ था। और फोर्थ और आखिरी काउंसिल 72 AD कश्मीर में वसुमित्रा चेयरमैन थे, और कनिष्क कुषाण डायनेस्टी का जो रूलर था उसके टाइम फ्रेम में रखा गया था। जस्ट लाइक श्वेतांबर और दिगंबर का झगड़ा देखते हैं हम, सिमिलरली ये आखिरी काउंसिल में पता है क्या हुआ, वसुमित्र जहां पर थे, कनिष्क ने कन्वीन किया हुआ था, यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा पड़ गया, और यही पर पहली बार बुद्धिज्म को दो हिस्सों में स्प्लिट किया गया, एक महायाना और दूसरा हीनायाना। फर्क इतना था कि जो ऑलरेडी बिलीव करते थे, जो अब तक पुराने तरीकों में इस्तेमाल करते थे बुद्धिज्म के, उन्हें हीनायाना कहा गया, और जो अब कनिष्क के बाद, क्योंकि कनिष्क खुद भी महायाना को फॉलो करने लग गया, तो वो सभी महायाना बुद्धिस्ट बन गए। अमित कुमार सर, आई एम लेट फॉर सर मीटिंग सर, क्योंकि सर मैं ट्यूशन है थोड़ा सा। अरे यार तुम, यू कैन ऑफ कोर्स, देखो जाना हो यू कैन लीव, नो इशू। तो दोनों में फर्क यही है बेटा कि हीनायाना जो थे वो अभी भी ओल्ड तरीकों को फॉलो करते थे, बुद्धा उनके लिए बस एक इंटेलेक्चुअल थे, गॉड नहीं थे। बुद्धा खुद ने यही कहा था ना बेटा, बुद्धा खुद इस गॉड के कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे, लेकिन महायाना ने बुद्धा को गॉड बना दिया। आहिस्ता से जो जैनिज्म में अच्छी खूबसूरत मूर्तियां बना रहे थे ना, इन लोगों ने लिटरली उठा के बुद्धा की मूर्ति बना के पूजा करना चालू कर दिया। तो वर्चुअली पहली बार आइडल वर्शिप के कॉन्सेप्ट हमें बुद्धिज्म से ही देखने को मिलते हैं। आहिस्ता से वो लोग देख के जैन वाले शुरू कर दिए, और इन दोनों को देख के ब्राह्मण लोग क्यों खामोश बैठे हैं। लिटरली इस टाइम फ्रेम में जब बुद्धिज्म और जैनिज्म था ना, हाँ सुनो सर, चंद्रगुप्त मौर्य शुरू से ही बुद्धिज्म के थे, इन्होंने अपनाया था। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य बुद्धिज्म के थोड़े ना थे, वो जैनिज्म के थे बेटा। जैनिज्म उन्होंने जिंदगी के आखिरी टाइम में अपनाया हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य, आई टेल यू, ठीक है। अभी मौर्यंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बाद में ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिकल रिलीजन ने इन दोनों से इंस्पायर करके आइडियल वर्कशिप हिंदुइज्म में लाया। गौ माता दरअसल नहीं थी इनिशियली, गौतम बुद्ध ने पहली बार कहा हुआ था कि जानवर जो है वो सेक्रेड है, क्यों, क्योंकि ये दूध देती है, ये ऑक्स जो है वो हल जोतने के लिए आपको काम में आता है, इसको आप प्रोटेक्ट कीजिएगा। तो आहिस्ता से पूरी तरीके से उसे सेक्रेड नेचर दिया गया था बाद में। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देने के लिए आहिस्ता से ब्राह्मणिकल रिलीजन में भी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बाद में अगेन महायाना भी जाकर छोटे छोटे अलग अलग यू नो सेक्ट्स में बट जाता है, मैंने कोर्स में आपको इन डिटेल वहां पर डिस्कस किया गया। इवन हीनायाना भी आगे जाकर तेरावाड़ा, सर्वस्थीवादा, इस तरीके से अलग अलग सेक्ट्स में जो है वो बट जाता है बेटा, लेकिन आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो इंपॉर्टेंट है, महायाना और हीनायाना। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या थे बुद्धिज्म के, सबसे पहला तो अहिंसा का कॉन्सेप्ट ओपनली बात करना बुद्धा ने ही किया हुआ था।
नो डाउट हमने वर्धमान महावीरा के टाइम फ्रेम में भी देखा हुआ था, लेकिन उसे आम करने वाला, उस कॉन्सेप्ट को लोगों में ज्यादा से ज्यादा अग्रेसिव लेके जाने वाला गौतम बुद्धा ही थे वो। तो सबसे ज्यादा यही कॉन्सेप्ट ऑफ अहिंसा जो कि बाद में जाकर हमारे देश का वैल्यू बना। आज देखो 75 ईयर्स हमने कंप्लीट किए, ठीक है, कई जंगें भी हमने लड़ी बेटा, पोस्ट इंडिपेंडेंस में कह रहा हूँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने 47 पाकिस्तान के साथ देखा, फिर हमने चाइना, साइनो चाइना का वॉर हमने देखा, बांग्ला लिबरेशन देखा, कारगिल देखा, लेकिन आज भी हिंदुस्तान की छवि दुनिया में अहिंसात्मक देश की ही है। क्यों? क्योंकि ये हमारे डीप कल्चर में इनग्रेंड है। गौतम बुद्ध महात्मा जैसा पर्सनैलिटी, वर्धमान महावीरा जैसे पर्सनैलिटी इस जमीन पर चले हुए हैं जिन्होंने ये अहिंसा का कॉन्सेप्ट दिया, तो यही हमारे वैल्यू चेरिश्ड वैल्यूज बने हमारे नेशन के। और आर्क एंड आर्किटेक्चर का भी बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन बुद्धिज्म से है। आगे जाकर जो अशोका जैसे पर्सनैलिटीज थे उन्होंने बड़े बड़े स्तूपा, चैत्य और विहारा बनाए हुए थे। एक बार ध्यान से देखो, दिस इज स्तूपा, ये जो दिख रहा है ना स्तूपा, ये दरअसल होली प्लेस है बुद्धिज्म के लिए। यहाँ पर ये डोम है ना, इस डोम के बीचों बीच कुछ रेलिक रखा जाता है, बुद्धिज्म बुद्ध गौतम बुद्धा का टीथ हो या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी एक बोन उनका, या फिर आगे जो कोई भी प्रोमिनेंट जो बड़े बड़े मॉन्क्स बने बुद्धिज्म के उनके रेलिक्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये स्तूपा है, ये चैत्या है, चैत्या यानी कि स्टूडेंट्स वहां पर बुद्धिज्म को पढ़ते थे, ठीक है, चैत्या। और ये विहारा, जो मॉन्क्स भटकते थे ना बुद्धिज्म फैलाने के लिए, वो जब थक जाते थे तो इस तरीके के विहारा में रहते थे। तो देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन थ्री ऑफ देम, स्तूपा, चैत्या एंड विहारा। और नो डाउट पहली बार रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज का कॉन्सेप्ट भी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बुद्धिज्म में ही हमें देखने को मिलता है। हमने देखा कि सीरियसनेस जैनिज्म में इतना नहीं था जितना बुद्धिज्म में था। बाद में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जो थे वो एस्टैब्लिश किए गए थे, प्योरली वहां पर बुद्धिज्म ही पढ़ाया जाता था। पाली लैंग्वेज जो कि कॉमन लैंग्वेज थी उसे बहुत ही ज्यादा डेवलप किया गया, और बाकी के भी लोकल लैंग्वेजेस को डेवलप किया गया, और इंडियन कल्चर्स को एशिया के अलग अलग हिस्सों में, एशिया क्या चाइना तक भी हमने पहुंचाया बुद्धिज्म को, ठीक है। सो नो डाउट इंडिया में पैदा होके दुनिया के चारों कोने में बड़े बड़े राजाओं ने इसका पुश किया हुआ है। यस शुभम सर, नालंदा यूनिवर्सिटी किसने मतलब एस्टेब्लिश की थी? ये लेटर ऑन टाइम्स में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी के लिए मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तक्षशिला, नालंदा एंड विक्रमशिला। जब रिस्पेक्टिव डायनेस्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे, पालास वगैरह भी आएंगे वहां पर हम पढ़ेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज। आई नो ब्रांचेस बहुत ही ज्यादा यहाँ से आते हैं, बस कॉन्ट्रीब्यूशन देखो। सो बोधिसत्वा का एक कॉन्सेप्ट हमें बुद्धिज्म में देखने को मिलता है। कौन है ये बोधिसत्वा? देखिए जाहिर सी बात है कि अभी गौतम बुद्धा जब जिंदा थे तो जो कुछ भी डाउट उनके चाहने वालों को, उनके फॉलोअर्स को आता तो डायरेक्टली वो गौतम बुद्धा के पास जाते। गौतम बुद्धा भी तो एक इंसान ही तो थे ना, उन्होंने खुद कहा भगवान नहीं है, सभी इंसान ही हैं, तो उनकी मौत के बाद कोई ना कोई होना चाहिए जो लोगों को गाइड कर सके। तो यही कॉन्सेप्ट आया बोधिसत्वास का, यानी कि जो बुद्धाहुड, जो बुद्धा बनने का स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है, या फिर जो बुद्धा बन सकता है या फिर जो बुद्धा बना हुआ है उसे हम बोधिसत्वा कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक खास बात बोधिसत्वाओं की ये है कि बोधिसत्वा जो थे कैवल्य प्राप्त करने के बाद जो है, या फिर निर्वाण प्राप्त करने के बाद, वो दुनिया को छोड़ छाड़ के जंगलों में नहीं जाते, वो आश्रमों में जाके नहीं जीते, वो लोगों के बीच ही रहते हैं ताकि लोगों को वो सही मार्ग दिखा सके, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर बोधिसत्वास को दिखाया गया बच्चों, वज्रपाणी होल्ड्स अ थंडरबोल्ट, सिन और ईवल को खत्म करने के लिए वो आएंगे, पद्मपाणि लोटस बेयरर बहुत ही काइंड हार्टेड वो होंगे, मंजूश्री स्टिमुलेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो चीज जो आम इंसान को समझ में नहीं आती वो भी समझ सकेगा, मैत्रेयी द फ्यूचर बुद्ध इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है एनडीएस सीडीएस और सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी, द फ्यूचर बुद्ध हु इज येट टू कम इट इज मैत्रेयी बुद्ध, ठीक है। सो इस तरीके से अलग अलग बुद्धा के टाइप्स और कैटेगरीज भी हमें दिए गए हैं, हर चीज बहट करने की जरूरत नहीं है, मैत्री को याद रखो, पद्मपाणी को याद रखो, दोनों इंपॉर्टेंट है। डिक्लाइन कैसा हुआ? अभी हमने देखा कि मासस के हीरो बन के आए हुए थे बुद्धा, लेकिन डिक्लाइन बिल्कुल बुद्धिज्म का भी हुआ, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ब्राह्मणिकल रिलीजन फिर से रिसर्जेंस करता है और बुद्धिज्म को एक्सटिंक्शन की कगार पर भेजता है। क्यों? क्योंकि रिचुअल्स और सर्मनीज ज्यादा हो चुके हुए थे, बुद्धा के जाने के बाद आम इंसान ही तो हिस्सा बन रहे थे, और जहां पर आम इंसान है वहां पर आम ब्रेन, जाहिर सी बात है। ब्राह्मणिज्म के जो कोई भी ईविल्स थे उसका विक्टिम्स बन गए आहिस्ता से, जिसके खिलाफ ये लड़ रहे थे ना, जो रिचुअल्स जो सेक्रीफाइसेस के खिलाफ, आहिस्ता से बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी उसी में जुड़ गए। बुद्धिस्ट मॉन्क्स वर कट ऑफ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द पीपल्स लाइफ, जाके आश्रमों में जीते थे, लोगों के बीच जियो ना, क्या फर्क पड़ेगा आप कहीं पर आइसोलेशन में जाके हो,
ठीक है, ऐसे ऐसे जो लेटर मॉन्क्स थे वो तानाशाह बनना शुरू हो गए, वो बड़े बड़े राजाओं के बादशाहों के साथ फिरना उन्होंने शुरू किया। तो ऐसे ऐसे पाली को छोड़ संस्कृत का इस्तेमाल, लोगों को संस्कृत समझ में भी नहीं आती थी क्योंकि संस्कृत वॉज एलाइट लैंग्वेज, और आइडल वर्कशिप की शुरुआत उन्होंने की। न्यूमरस ऑफरिंग्स भी उन्हें मिलते थे बड़े बड़े राजाओं से। अशोक का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो अशोक ने बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिए हुए हैं बुद्धिज्म को, ठीक है, और मोनेस्ट्रीज का एनॉर्मस वेल्थ, हद से ज्यादा इवन सेक्सुअल एक्टिविटीज भी बढ़ने लगे मोनेस्ट्रीज में, इन आश्रमों में, क्योंकि मर्द और औरत दोनों को खुली बाहों से एक्सेप्ट किया गया था ना यहाँ पर, तो इंसान जहां पर है उसकी सोच वहां पर बिगड़ी ही होती है। तो रॉयल पैट्रोनेज और बाद में रूथलेस परसिक्यूशन भी हुआ। बच्चा आगे चंद एग्जाम्पल्स भी दूंगा जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स को और बुद्धिस्ट टेम्पल्स वगैरह को भी पूरी तरीके से रूथलेसली डिस्ट्रॉय किया हुआ था। लोग वहां पर आए दिखाने के लिए, जताने के लिए कि हम वैदिक रिलीजन, हम ब्राह्मणिकल रिलीजन फॉलो करने वाले हैं, या फिर हम क्षत्रिय वगैरह हैं। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बुद्धिज्म में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो दीज वर द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द श्रमणा मूवमेंट्स। अभी महाजनपदास के पास आओ, हमने देखा टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है वो कॉन्सेप्ट इंसानों में आ रही थी। तो मगध जो था वो बहुत ही पावरफुल था, पूरे 16 महाजनपदास में मगध का जो महाजनपदा यहाँ पर है वो पूरी तरीके से सॉवरनिटी गेन करता है। उसे कंपटीशन देने वाले चंद ही थे, जैसा कि अवंती यहाँ पर है, ठीक है, कोसला और वत्सा यहाँ पर है। तो ये तीनों बहुत ही स्ट्रांग रेसिस्टेंस दे रहे थे उसे, लेकिन फिर भी ब्लैक एंड ब्लू मगध ने बाजी मार ली हुई थी। बहुत ही पावरफुल रूलर्स वहां से आए हुए थे। तो इसके कई इंपॉर्टेंट से रीजन है। सबसे पहला ज्योग्राफिकल फैक्टर, ये गैंजेटिक प्लेन्स के फर्टाइल एरिया में है मगध, है कि नहीं, गंगा बहती है वहां पर, चावल बहुत अच्छे उगते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में एक बफर जोन की तरह था बेटा, ठीक है, जाहिर सी बात थी कि इकोनॉमिक फैक्टर्स भी यहाँ पर, इकोनॉमिक इन्फ्लक्स भी अच्छा होता था, ट्रेड वगैरह भी अच्छा होता था। कल्चरल फैक्टर्स, यहाँ पर जो लोग, देखो बुद्धा और वर्धमान महावीर जैसे लोग यहाँ पर पैदा हुए जो एस्टेब्लिश्ड सिस्टम को सवाल कर रहे थे, तो जाहिर सी बात थी कि यहाँ पर पॉलिटिकल माइंडसेट के भी जो लोग थे, जो बड़े बड़े आने वाले टाइम में हरियाणा डायनेस्टी हो, शिशुनागा हो, वो सभी रूथलेसली चाहते थे कि वो अपनी सुप्रीमसी जताए। और सिमिलरली पॉलिटिकल फैक्टर्स भी यहाँ पर बहुत ही कंड्यूसिव थे कि एक दूसरे का तख्ता पलट आसानी से यहाँ पर होता था, जिसकी गर्दन कटी वो गिर गया, जो तख्त पर बैठा वही बादशाह। सो दीज आर द फ्यू रीजन वाई मगध डोमिनेटेड। और हिंदुस्तान की जमीन पर पहली बार एक डायनेस्टी फॉर्म होती है, बृहद्रथा डायनेस्टी, ठीक है, जो कि खुद उसके फाउंडर के नाम पर ही रखी गई है। आपको हर चीज बैहट करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे देखते जाओ, ठीक है। फर्स्ट कम बृहद्रथा डायनेस्टी रफली 1700 BC से 682 BC के आसपास, ये अभी जनपदाओं का ही टाइम चल रहा है बेटा। तो बृहद्रथा वॉज फाउंडर, और आखिरी जो राजा थे रिपुंजया था उनका नाम, ठीक है। तो रिपुंजया को उनके खुद के एक मंत्री थे पुनिका, पुनिका ने रिपुंजया को मारा हुआ था, और पुनिका ने क्या किया, मगध की उस थ्रोन पर वो खुद नहीं बैठा, उसने अपने बेटे प्रद्योटय को बिठाया। तो प्रद्योटय बहुत ही चालाक था, बाप बूढ़ा हो गया, तो प्रद्योटय ने क्या कहा, अपने खुद के नाम का डायनेस्टी उसने एस्टैब्लिश की। तो आफ्टर बृहद्रथा डायनेस्टी देन कम्स द प्रद्योटय डायनेस्टी इन 682 BC। तो प्रद्योटय डायनेस्टी का कैपिटल राजगीर था, प्रोमिनेंट राजगीर, पहली बार राजगीर प्रोमिनेंस में प्रद्योटय डायनेस्टी में ही आता है, बाद में उसे शिफ्ट किया जाता है पाटलिपुत्र में, उसके बारे में बताऊंगा। सो 682 BC से 544 BC, देखो ये सभी डायनेस्टीज जो हम बात कर रहे हैं ना बेटा, बृहद्रथा प्रद्योता, इन सभी के रेफरेंसेस अलग अलग पुराणों में दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रद्योटय का बेटा था पालका, जिसने कौशाम्बी वत्सा महाजनपदा जो था, जो बहुत ही पावरफुल था, उसे कॉन्क्वर किया हुआ था, यानी कि आहिस्ता से वो लोग पुश कर रहे थे अपने बाउंड्रीज को। मगध अब वत्सा को भी हासिल किया हुआ था उसने। और प्रद्योता डायनेस्टी का आखिरी रूलर जो था वो वर्तिवर्धना था, ठीक है, 564 BC से लेकर 544 BC। हाँ, एक और बात, यही वो टाइम फ्रेम था जब पंचड मार्क कॉइन्स आए हुए थे। मेटेलिक कॉइन्स का इस्तेमाल भी महाजनपदाओं के टाइम फ्रेम में ही हमने किया हुआ था। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब बार्टर सिस्टम खत्म, अब पैसा मेटेलिक मनी, इस तरीके से पंचड मार्क कॉइन्स कहते हैं, पंच लगा के इसमें लगाया गया ना अलग अलग शेप्स, तो पंचड मार्क कॉइन्स इन्हें कहा जाता था। तो कॉइनेज सिस्टम भी आहिस्ता से यहीं पर आता है। द मोस्ट पावरफुल इन द महाजनपदा टाइम कम्स द हरियंका डायनेस्टी, ठीक है, हरियंका डायनेस्टी, इसका कैपिटल राजगृह था, लेकिन बाद में पाटलिपुत्र को पहली बार हरियंका डायनेस्टी ने ही शिफ्ट किया हुआ था। और बाद में पाटलिपुत्र आने के, आज का पटना है ना बिहार का, वही है पाटलिपुत्र। तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिटीज, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एरियाज बन जाता है पाटलिपुत्र, ठीक है। तो ये भी उदयन तीसरे राजा कुछ थे, उदयन उनके टाइम फ्रेम में से शिफ्ट किया गया था। तो चंद इंपॉर्टेंट से रूलर, सबसे पहला बिंबिसार, बिंबिसार जो थे वो गौतम बुद्ध के कंटेम्प्ररी थे बेटा,
तो गौतम बुद्ध को कई बार उन्होंने मिला भी हुआ था, और वो कहते थे गौतम बुद्ध महात्मा से कि मैं हूँ, मेरा पूरा ये बादशाह जो है वो आपके कदमों में है, ठीक है। तो बिंबिसार उनके कंटेम्पररी थे, उन्होंने ही फाउंड आउट किया हुआ था ये हरियाणा डायनेस्टी को, और मगध को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड किया हुआ था। उनके बेटे आते हैं अजात शत्रु, जिन्होंने लिच्छावी पर फतेह हासिल की हुई थी, और सबसे ज्यादा एक्सटेंशन अजात शत्रु ने ही किया हुआ था, और पहला बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धा के मर जाने के बाद अजात शत्रु ने ही किया हुआ था। तो अजात शत्रु वॉज ऑल्सो कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा। बाद में आते हैं 460 BC में उदयन, जिन्होंने पहली बार राजगृह से पाटलिपुत्र को चेंज किया हुआ था, और लंबे अरसे के बाद नाग दशक आखिरी राजा आते हैं हरियंका डायनेस्टी के, ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ डायनेस्टी। तो नाग दशक को भी सिमिलरली उन्हीं के एक मंत्री शिशु नागा ने डिथ्रोन किया हुआ था, ठीक है। शिशु नाग एक पॉपुलर अपराइजिंग था नाग दशक के खिलाफ, के टैक्सेशन हद से ज्यादा किया जा रहा था, तो उन्हीं लोगों में से उन्हीं लोगों की सपोर्ट से शिशु नागा ने नागा दशक को खत्म किया और शिशु नागा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया 412 BC से लेकर 344 BC। तो द ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे शिशु नागा डायनेस्टी के, इट वॉज कालशोका। रिमेंबर कालशोका, हमने देखा सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो वैशाली में रखा गया था ना, वो कालशोक ने ही रखा हुआ था, वैशाली यहाँ पर है 383 BC में। और फाइनल टाइम यहाँ पर पाटलिपुत्र को जो है कैपिटल की तरह ट्रांसफर किया गया था, इसके बाद हार्डली हमें राजगीर देखने को मिलता है। अगला आता है नंदा डायनेस्टी बेटा, तो महापद्मनंदा आए हुए थे यहाँ पर, तो महापद्मनंदा को उग्रसेना भी कहा जाता है, तो उन्होंने नंदा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था। पहली बार बुद्धिस्ट एम्पायर था इस इंडियन हिस्ट्री का, इससे पहले अभी जितने भी आप देख रहे हैं ना प्रद्योटा शिशुनागा, वो सभी हिंदू ही थे, ठीक है, इसीलिए पुराणों में उनका रेफरेंस है। लेकिन महापद्मनंदा जैसा ही आए, नंदा डायनेस्टी ने पहली बार ऑफिशियली बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया और पहला बुद्धिस्ट डायनेस्टी वो बन गया। तो 8 बेटे थे महापद्मनंदा के, सभी को याद करने की जरूरत नहीं है, एक के बाद वो आते चले गए, और आखिर में आए कौन, धननंदा। ये देख लो, मगध छोटा सा महाजनपद था, कब पहला, जब हरियांका कौन आए थे, बृहद्रथ आए हुए थे, तो आहिस्ता से ये लोग एक्सपेंड कर 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 करके इतना रीजियन उन्होंने मगध एम्पायर बना लिया था, नंदा डायनेस्टी, ठीक है। तो नंदा ही के टाइम फ्रेम में कौन आता है, एक और वन ऑफ द मोस्ट करिस्मेटिक पर्सनालिटीज ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड, मेसिडोनिया का अलेक्जेंडर आता है, ठीक है, मेसिडोनिया से, ग्रीक से अलेक्जेंडर आता है। दुनिया को फतह करना चाहता था वो, आगे पीछे कुछ देखना नहीं चाहता था, आहिस्ता से ग्रीक से शुरुआत उसने की। पर्शियंस बहुत ही पावरफुल थे उस वक्त, पर्शियन ईरानियन एम्पायर को उसने हराया, आहिस्ता से रोमन्स के पास वो चला गया। तो इसी तरीके से देखो, यहां से आता आता काबुल तक पहुंच गया, अफगानिस्तान को भी आ गया वो 382 BC में। टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का दरवाजा पहली बार एक फॉरेन इन्वेडर खटखटा रहा था 326 BC में टू कॉन्क्वर दैट, ठीक है। तो यहाँ पर तक्षशिला जो कि आज के पाकिस्तान के रीजन में, तो काबुल के उसी रीजन के पास है तक्षशिला, तो तक्षशिला में एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे अम्बी, तो अम्बी को हराया 326 BC में। और बाद में एक और रूलर थे वहां पर जिनका नाम था पोरस, तो पोरस ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिया, लेकिन मेसिडोनियन आर्मी के आगे पोरस कुछ भी नहीं थे। तो बैटल ऑफ हाइडास्टस इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आखिरी मेजर बैटल है जो कि रिवर जहलम के पास लड़ी गई थी, बैटल ऑफ हाइडास्टस। यहाँ पर पोरस को हराने के बाद पूरे उस एरिया को, इवन काबुल तक, ये देखो यहां तक भी वो पहुंच गए, ये पूरे रीजन यहाँ पर है हाइडास्टस रियर, तो यहां तक का रीजन साउथ नॉर्थ वेस्ट इंडिया का वो मेसिडोनियन एम्पायर का ही हिस्सा था। तो उसके आगे भी वो जाना चाहता था, था ना एम्पायर, मगर महाजनपद यहाँ पर चल रहे थे ना, महानंदा चल रहा था, सॉरी धननंदा, तो आगे भी बढ़ना था। तो बैटल ऑफ सकाला, एक छोटी सी बैटल वहां पर होती है हाइडास्टस बैटल के बाद, तो वहां पर उसके लोग खुले तौर पर कहते हैं कि आर यू सेन और इनसेन, हमें तूने क्या कहा था, ये एक बार इमेज देखो, तूने तो हमें कहा मिस्टर अलेक्जेंडर के ऐसा ट्रिप पे जा करते हैं कुल्लू मनाली के, लेकिन पूरी दुनिया जीत रहा है तू, वी कांट डू दैट, तुमने तो कहा बस चंद दिनों का ये कॉन्क्वरिंग होगा, लेकिन आगे ही बढ़ता जा रहा है, वी आर नॉट गोइंग टू कम, वी आर होमसिक, वी वांट टू गो होम। तो बिकॉज ऑफ हिज ओन पीपल रिफ्यूजिंग टू क्रॉस द वेरी रिवर, ही स्टूड देयर इटसेल्फ एंड ही रिट्रीटेड। और जब वो वापस जा रहा था तो अपने एक ग्रीक के गवर्नर सिग्लुकस निकेटर को, वो काबुल उस रीजन में जीता हुआ था ना उसने, काबुल का ये तक्षशिला का पूरा रीजन, तो वहां पर इस अपने खुद के एक इंपॉर्टेंट ग्रीक गवर्नर सिग्लुकस निकेटर को वहां का इंचार्ज देके वो चला जाता है। तो 19 महीने वो इंडिया में रहा बेटा अलेक्जेंडर, और वापस जब वो जा रहा था बेबीलोन, यानी कि इराक के, इराक में है ये सिटी, तो 323 BC में एट अ वेरी यंग एज ऑफ 33 ईयर्स उसकी मौत हो गई।
बहुत ही सिग्निफिकेंट था इसका इन्वेजन इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के साथ वैसे तो ट्रेड हो रहा था लेकिन और भी नए नए ट्रेड रूट जो है उसने खुल के हमें दे दिए हुए थे। ठीक है, जो चीजें हमें पता नहीं थी कि इंडिया को इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं क्या, वो अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद हमें पता चला। इंडियंस ने ग्रीक से बहुत सी चीजें सीखी, हमने अपना कॉइनेज, इवन पहला जो गोल्ड कॉइन था वो इंडो ग्रीक्स वालों ने ही दिया हुआ था, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, हर चीज में हमें इंडिया में इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा ग्रीक्स का। और मूविंग अहेड, अभी तो खत्म हो गया अलेक्जेंडर की कहानी, यहाँ पर पद्धना नंदा था, ये देखो अलेक्जेंडर यहाँ तक, ये पूरा रीजन अलेक्जेंडर का था और यहाँ पर नंदा एम्पायर, तो आगे वो नहीं आ सका, तो नंदा फेल्ट रियली सेफ धनानंदा, लेकिन पावरफुल था नंदा धनानंदा, धनानंदा के खिलाफ भी पॉपुलर अपराइजिंग्स हो रहे थे, तो वहीं पर अंडरडॉग आता है चंद्रगुप्त द मौर्य, कौटिल्य जो के उसके टीचर थे, मेंटर थे, उनकी मदद से ही डीथ्रोन्स धनानंदा 321 BC में। पहली बार इंडिया में एक फुल फ्लेज्ड इंपीरियलिस्टिक डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो हमें मौर्यन एम्पायर के हिस्टोरिकल रेफरेंसेस कहाँ से देखने को मिलते हैं? विशाखा दत्ता एक बहुत बड़े ऑथर थे जिन्होंने मुद्रा राक्षसा लिखी हुई थी, संस्कृत में ही लिखी हुई थी, ये दरअसल गुप्तास के टाइम फ्रेम के थे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी किताब मुद्रा राक्षसा में कहा हुआ था कि किस तरीके से कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त ने धनानंदा को डीथ्रोन किया हुआ था। अलग अलग पुराणों में भी, विष्णु पुराण में भी हमें देखने को मिलता है मौर्यन एम्पायर, बाद में मत्स्य पुराण में हमें आंध्र के शातवाहनाओं के बारे में देखने को मिलता है, इस तरीके से अलग अलग पुराणों में भी रेफरेंसेस हैं। और रुद्रदमन आगे हम देखेंगे, शाकास का बहुत ही पावरफुल रूलर, तो 150 AD में उसने जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन करवाया हुआ था, तो वहां पर भी उसने मौर्यन एम्पायर के बारे में बात की हुई थी। और कौटिल्य ने खुद वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेशिमेन ऑन पॉलिटिक्स अर्थशास्त्र लिखी हुई थी, उससे भी हमें ज्यादातर मौर्यन एम्पायर के बारे में देखने को मिलता है। लेकिन ये किताब गुम गई हुई थी बेटा, इट वॉज ओनली 1905, आर श्यामा शास्त्री मैसूर के दीवान थे आर श्यामा शास्त्री जी, तो 1905 में एक लाइब्रेरी में उन्हें 12 अलग अलग इस तरीके की किताबें या कंपाइलेशन मिली, तो वहां पर उन्होंने पहचान के बताया कि नहीं, ये अर्थशास्त्र थी जो गुम गई हुई थी। और उस टाइम फ्रेम में बगेस्तनी एक ग्रीक ट्रेवलर आए हुए थे, उनके इंडिका जो उनकी किताब थी उससे भी हमें रेफरेंसेस और अलग अलग बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी हमें देखने को मिलता है। मैं थोड़ा बहुत फास्ट जाऊंगा बेटा, वक्त कम है हमारे पास एमसीक्यूज में। तो पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य, ग्रीक के सोर्सेस में भी इसे मेंशन किया गया, सैंड्राकोटस इसका नाम है, 322 BC से 298 BC तक इसने रूल किया। तो 305 BC में हमने देखा नॉर्थ वेस्टर्न साइड कौन था, सेल्यूकस निकेटर था, तो सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली एक ट्रीटी साइन की हुई थी और सेल्यूकस निकेटर की बेटी को उसने शादी भी कर ली हुई थी। दरअसल मेगस्थनीस को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजने वाला यही सेल्यूकस निकेटर था। तो एक पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन उन्होंने फॉलो किया, आस्था से एक्सपेंड करते हुए गए और अपने आखिरी वक्त उन्होंने अपने थ्रोन जो है वो अपने बेटे के नाम किया हुआ था और भद्रबाहु के साथ वो साउथ इंडिया गए हुए थे सल्लेकन परफॉर्म करने के लिए, यानी कि ही स्टार्व्ड हिमसेल्फ टू डेथ। सो कमिंग ऑन द सीन जो अगला हीरो है वो बिंदुसारा है, डोंट गेट कंफ्यूज, हमने इससे पहले जो पढ़ा वो बिंबिसारा है ऑफ हरियांका डायनेस्टी। बिंदुसारा बेटा है चंद्रगुप्त का, हु इज ऑफ मौर्यन एम्पायर, 298 BC से 273 BC तक इसका टाइम फ्रेम है बेटा। अमिटोक्रेट्स इसे कहा जाता है ग्रीक लिटरेचर में, आजीविका सेक्ट्स को उसने पैटर्नाइज किया, बाप जैनिज्म को फॉलो कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने आजीविका को फॉलो किया, आजीविका भी उसी तरीके का एक रिलीजन है बेटा। ठीक है, वहां पर भी सन्यासी हुआ करते थे। दरअसल बिंदुसारा को एक आजीविका के मुनि ने ही कहा हुआ था कि तेरे पेट में एक बेटा पैदा होगा जब भारतवर्ष इस तरीके के राजा को फिर कभी देखेगा ही नहीं, यानी कि अशोक के बारे में रेफरेंस हमें दे रहे थे। सो अशोक उस टाइम फ्रेम में टीनेज, मतलब पैदा होने के पहले की बात नहीं बता रहा हूँ, बाद में, तो अशोक टीनेज जब थे वो उज्जैन के गवर्नर बने हुए थे, यानी कि ऑलरेडी उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता था, इसीलिए इतना ग्रेट वो बने हुए थे। और डिप्लोमेटिक टाइज भी बिंदुसारा के अच्छे थे वेस्टर्न किंग्स के साथ, कहा जाता है कि वेस्ट के जो रोमन के एम्परर्स थे उन्होंने ड्राई डेट्स और फिक्स भेजे हुए थे, यानी कि अंजीर जो कहते हैं ना वो भेजे हुए थे बिंदुसारा को। तो डक्कन मैसूर के रीजन तक बिंदुसारा ने एक्सपैंड किया हुआ था। तो बिंदुसारा के बाद सीन पर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एंशियंट हिस्ट्री के, तो मैं बिल्कुल कहूंगा नॉट जस्ट एंशियंट हिस्ट्री, हिंदुस्तान की इतिहास आप कभी भी उठा लें, अशोक ही है। यहाँ पर देखो मगध क्या था बेटा, छोटा सा ड्रॉप था, छोटे से ड्रॉप से पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक इंसान रूल कर रहा है। डोंट यू थिंक दिस इज टू मच ऑफ पावर इन वन इंडिविजुअल्स हैंड? अपार्ट फ्रॉम औरंगजेब ये फीट कोई भी अचीव नहीं करता, नॉट इवन अकबर।
ठीक है, तो दो राजा लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अशोक है, दूसरा औरंगजेब है। औरंगजेब के बारे में हम मुगल्स में बात करेंगे। तो राधा गुप्ता अपने एक मंत्री की मदद से, ये कहा जाता है अफवाह, हमें पता नहीं है कि सच में 99 भाइयों को मारा, लेकिन कहा जाता है कि 99 भाइयों को मार के अशोक जो थे वो गद्दी पर चढ़ जाते हैं। पहले ही ऑलरेडी वो तक्षशिला और उज्जैन जैसे रीजन के गवर्नर रह चुके हुए थे। टाइटल्स उन्होंने एक्सेप्ट किए, देवनम पिया, भगवानों का प्रिय, बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, पियादसी, प्लीजिंग अपीयरेंस, जो बहुत ही खूबसूरत दिखता था। और श्रीलंका के बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स भी हमने देखे, दीपवंश और महावंशा में भी हमें इस तरीके के रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो लगभग हर कंट्री के साथ बहुत ही अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, सीरिया, इजिप्ट, मैसेडोनिया एक्सेट्रा तक भी हम पहुंचे हुए थे। कलिंग का वॉर होता है, इनिशियली 99 भाइयों को जो मार के आया, जाहिर सी बात है कि वायलेंस में उसकी रुचि बहुत ही होगी। तो कलिंग इकलौता ऐसा रीजन था उड़ीसा का जो जीता नहीं गया था। तो कलिंग के वॉर के बाद 261 BC में पूरी तरीके से अशोक का ध्यान जो है वो चेंज हो जाता है। मैं इंसानों को मार रहा हूँ जिन पर मुझे राज करना है, वो खुद मुझे नफरत करेंगे तो क्या फायदा। तो ही गेव अप द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन, यानी कि भेरी गोशा को छोड़ के उन्होंने धम्मा गोशा अपनाया हुआ था, यानी कि अब मैं फिजिकल कॉन्क्वेस्ट नहीं करूंगा, मुझे अब कल्चरल ट्रेडिशनल कॉन्क्वेस्ट करना है। तो आस्था से पहले तो उन्होंने धम्मा को प्रोपोगेट किया, बाद में बुद्धिज्म को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और अपना बेटा महेंद्रा और बेटी संगमित्रा को उन्होंने श्रीलंका भेजा हुआ था, वहां पर भी उन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया हुआ था। तो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट उन्होंने छोड़ दिया, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट उन्होंने पकड़ा। कलिंग में उड़ीसा में ही हमें 13th मेजर रॉक एडिक्ट देखने को मिलता है, जहां पर ये सभी घटना जो है वो लिखी गई थी। ये आप मैप देख रहे हैं ना बेटा, कहा जाता है कि यहाँ यहाँ तक इतने दूर दूर तक रीजन में ना अशोक ने अपनी परचम को लहराया हुआ था, यानी कि उसका नाम यहाँ यहाँ पर पूरी तरीके से फेमस था, अपने दम्मा के कॉन्सेप्ट से दुनिया के इतने हिस्से को उसने जीता हुआ था, ठीक है, आइडियोलॉजिकली रादर देन मिलिटरी कॉन्क्वेस्ट। तो अशोक का दम्मा रिलीजन नहीं था, जैसा अभी हमने जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा, ऐसा कोई रिलीजन नहीं था बेटा, वो एक नॉन सेक्टेरियन फेथ था। बस चाहता था वो कि मेरी प्रजा चंद अच्छी चीजें फॉलो करें, ठीक है, जैसा अपने पेरेंट्स एल्डर्स को ओबे करें, स्लेव्स और सर्वेंट्स पर मर्सी दिखाएं, झूठ ना बोलें, ठीक है, नॉन वायलेंस टॉलरेंस का इस्तेमाल करें, बस उसी टाइप की चीजें। 33 टोटल इंस्क्रिप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, जिस अशोका ने खुद अपने राज्य में जहां कहीं पर भी वो पहुंचा सकता था इस इंस्क्रिप्शन को पहुंचा के उसने अपने लोगों के साथ बात करने की कोशिश की हुई थी। ये बायहार्ट करने की जरूरत नहीं है, देर आर सेवरल मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, सेपरेट रॉक एडिक्ट्स, मेजर पिल्लर एडिक्ट्स एंड माइनर पिल्लर एडिक्ट्स, इस तरीके से बड़े बड़े पहाड़ों पर लिखाया गया, बड़े बड़े पिल्लर्स पर चुनवा दिया गया था कि वो अपने लोगों के साथ क्या कहना चाहता था और वो अपने बारे में भी क्या कहना चाहता था। तो ये इंस्क्रिप्शंस जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट। लेट मी बी क्लियर, अभी जो हम हिंदी बात करते हैं ना वो हिंदी लैंग्वेज है, बट इट इज इन देवनागरी स्क्रिप्ट। तो सिमिलरली ब्रह्मी स्क्रिप्ट है लेकिन प्राकृत लैंग्वेज है बेटा। तो जेम्स प्रिंसेप, कल भी हमने नाम देखा हुआ था, सो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डेसिफर्ड अशोकन एडिक्ट्स, पहली बार इसे पढ़ के समझ के हमें बताने वाला जेम्स प्रिंसेप ही था। सिग्निफिकेंस क्या है अशोकन रूल का, किस लिए हम अशोका को जो है वो याद करते हैं? सबसे पहला पॉलिटिकल यूनिफिकेशन कंट्री का, वास्ट एम्पायर था, अभी हमने देखा मैप कौन सा हिस्सा था जो अशोक ने कॉन्क्वर नहीं किया, टॉलरेंस और रिस्पेक्ट को उसने स्प्रेड करने की कोशिश की, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को उसने प्रमोट किया, मैसेडोनिया इजिप्ट तक भी वो पहुंचा हुआ था अपने दम्मा को लेकर, पीस और नॉन अग्रेशन को उसने फॉलो करवाया हुआ था। तो आस्था से हम मौर्यन सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं कि लोग वहां पर कैसे थे। तो वर्ना सिस्टम रिजिड नहीं था, जाहिर सी बात थी कि लोग अब ओपन माइंडेड हो रहे थे, उन्हें पता था कि द ओनली थिंग दैट इज कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट चेंज। तो वर्ना सिस्टम में रिजिडिटी नहीं थी, वैश्य और शूद्र के बीच जो गैप था वो कम हो रहा था, अब वैश्य भी फार्मर बनने लग गए थे, शूद्र भी अब आस्था से ट्रेडर्स बनने लग गए हुए थे। वुमेन को जो है वो डिवोर्स के बाद मैरी करने की इजाजत दी जाती थी और वुमेन को हाई पोजिशन दिया जाता था सोसाइटी में। इंडिया में स्लेवरी नहीं था, ऐसा कौन कहता है, इंडिका में मेगस्थनीस कहता है, लेकिन ये सच नहीं था क्योंकि हमारे खुद के इंडियन रिकॉर्ड्स कहते हैं उस टाइम फ्रेम के कि स्लेवरी उस वक्त रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन था, लेकिन स्लेव्स का पोजीशन बहुत ही अच्छा था व्हेन वी कंपेयर विद द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टेट कंट्रोल करता था पूरी तरीके से, ठीक है, टैक्स भी कलेक्ट किए जाते थे क्योंकि कॉइनेज भी यहाँ पर आया हुआ था, 1/4 से 1/6 प्रोड्यूस जो कुछ भी आपका था वो टैक्स की तरह कलेक्ट किया जाता था, और इरिगेशन फैसिलिटी स्टेट प्रोवाइड करता था, वाटर टैक्स भी वहां पर चार्ज किया जाता था, टोल टैक्स वगैरह लगाए जाते थे क्योंकि अब इंटरनेशनल ट्रेड चल रहा था, इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था, तो जाहिर सी बात थी कि माइनिंग, फॉरेस्ट, साल्ट, लिकर का सेल, आर्म्स का मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज में हम लोग अब डेवलप हो रहे थे। तो
राजा के खुद के, अभी हम कहते ना कि सरकारी जगह है, तो सिमिलरली सरकार की जो जगह उस जमाने में होती थी उसे सीता कहा जाता था, यानी कि उस टाइम फ्रेम में जो इनकम वहां से आती थी। और अलग अलग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के चीफ्स होते थे जिन्हें समहर्ता कहा जाता था। और एक और इंपॉर्टेंस ऑफिशियल हुआ करता था सन्निदाता, रॉयल ट्रेजरर, जो ट्रेजरी को मेंटेन करता था। एग्रीकल्चरलिस्ट बहुत ही ज्यादा थे, एग्रीकल्चर ही उनकी इकोनॉमी थी। और पंच्ड मार्क कॉइन्स जो कि ज्यादातर सिल्वर के थे, वो भी यहाँ पर कॉमन यूनिट ऑफ ट्रांजेक्शन बन जाते हैं। आहिस्ता से लोग अपने आप को गिल्ड्स में फॉर्म करते हैं, हमने ऑलरेडी देखा लेटर विद द केज में लोग अपने आप को नॉन कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशंस की तरह जोड़ रहे थे गिल्ड्स में, तो गिल्ड्स भी यहाँ पर अच्छे खासे ऑर्गेनाइज होते हैं। जेश तका गिल्ड का चीफ हुआ करता था, हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, और ये उस गिल्ड के मेंबर्स को प्रोटेक्शन वगैरह भी देते थे। और ट्रेड जो था वो लैंड एज वेल एज सी से भी गुजरता था, ये देखो दूर दूर तक के रीजन तक हम पहुंचे हुए थे। मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, दरअसल आर्ट एंड आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में हमें इतना पता नहीं है, लेकिन जो कोई भी सोर्सेज बचे हुए हैं वो ज्यादातर अशोका के ही कंस्ट्रक्शंस हैं। तो ज्यादातर ये एनिमल कैपिटल जो हम देखते हैं, इवन इंडिया का नेशनल एम्बलम भी तो अशोका का ही तो कैपिटल है ना, सारनाथ का, लैंड कैपिटल ऑफ सारनाथ, तो नो डाउट वो हमारा नेशनल सिंबल बना बेटा। तो जाहिर सी बात है कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी उन्होंने योगदान दिए हुए थे, हालांकि उनके कंस्ट्रक्शंस कुछ बचे नहीं हैं। पेंटिंग कहा जाता है कि मेगस्थेनीस ने इंडिकेट किया कि बहुत ही फाइन पेंटर्स हुआ करते थे, लेकिन एग्जांपल्स बचे नहीं हैं। अजंता केव्स में चंद रफ या फिर रॉ इस तरीके के पेंटिंग्स हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन वो किस पेंटर ने बनाए या फिर किस मौर्यन टाइम फ्रेम के हैं हमें उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए इनिशियली वुड का इस्तेमाल किया जाता था, लकड़ी का, क्योंकि लकड़ी को काट कूट के आप कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन लकड़ी कभी भी टूट सकती है। तो लेटर टाइम्स में क्या हुआ, ब्रिक्स और स्टोन्स का इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू किया हुआ था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन था। और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल अशोका ने ही किया हुआ था इस तरीके के बड़े बड़े स्तूपास वगैरह बनवाने के लिए। और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो हाईली सेंट्रलाइज्ड, राजा सब कुछ था, अब यहाँ पर दूसरी कोई भी चीज नहीं है। सॉरी फॉर दैट, हाउ इज द जोश? जो अशोक की जो वो सांची स्तूपा का जो बॉर्डर था ना, वो शायद अशोक ने बनाया था, मैंने कहीं पढ़ा था। सांची स्तूपा ही अशोक ने बनवाया हुआ था, उसका बॉर्डर क्या बनाएगा? नहीं सर, मैंने ये पढ़ा था कि बुद्धिस्ट टाइम में उसका सांची स्तूपा बना था और बॉर्डर्स, तो इनमें कंफ्यूजन थी। ओके, नहीं जहां तक मेरा ख्याल है सांची स्तूपा अशोक ने ही बनवाया हुआ था, मोस्टली कोई ना कोई छोटा सा मोल्ड होगा, उसे बाद में इसने डेवलप किया होगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन अशोक ने जो है वो सिर्फ स्तूप बनवाया था, फिर शुंग डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी ने जो है वो तोरण और पूरा गेटवे वगैरह वही डेवलपमेंट करवाया हुआ होगा वहां पर। ठीक है, सो राजा ही सब कुछ हुआ करता था, राजा से ही पावर फ्लो होता है पूरे एम्पायर में, तो एम्पायर सुप्रीम था, सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी था। ठीक है, तो मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी था, वो लोग देते तो थे रिकमेंडेटरी चीजें, लेकिन उसे फॉलो करना या नहीं करना ये राजा के ही हाथ में होता था। मंत्री परिषद का एक अध्यक्ष हुआ करता था प्राइम मिनिस्टर, और देर आर 18 तीर्थास। ठीक है, तीर्थंकरास नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आपको स्टडी मटेरियल में मैंने दिया हुआ है, अलग अलग है मिनिस्ट्रीज या फिर ऑफिशियल्स तीर्थास थे, और उनके नीचे आते थे अध्यक्ष। ठीक है, रैंक्ड ओनली नेक्स्ट टू तीर्थास, यानी कि अभी हम देखो कैसा हम हायरार्की बनाते हैं, कैबिनेट के मंत्री, उनके नीचे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इस तरीके से। ठीक है, तो मिलिट्री फंक्शंस वगैरह भी इन्हें हाथ में दिए जाते थे। महामट्टास हुआ करते थे हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स की तरह भी इन्हें कह सकते हैं। और नेक्स्ट हायरार्की में आते हैं अमात्यास, यानी कि आज के जमाने के जो डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज आप कह सकते हैं ना, उस तरीके के अमात्यास जो थे वो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज भी हुआ करते थे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो विलेज सबसे छोटा यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का, बहुत ही ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाती थी विलेज को। विलेज का हर एक विलेज का हेड होता था ग्रामिका। ठीक है, तो वहां पर ग्राम वालों के साथ डिस्कस करके इंपॉर्टेंट डिसीशंस लिए जाते थे। तो ग्रामिका के साथ साथ प्रादेशिका भी हुआ करता था, यानी कि प्रोविंशियल गवर्नर्स, स्टेट का गवर्नर होता है या फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आप कह लें। स्थानिकास हुआ करते थे जो कि टैक्स कलेक्टर्स थे प्रादेशिका के नीचे, जिला का कलेक्टर भी आप इसे कह सकते हैं। एंड सिमिलरली मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कमांडर इन चीफ सेनापति के हाथ में हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर एम्परर ही अपॉइंट करता है उसे। ठीक है, एम्परर हिमसेल्फ यूज टू बी एवरीथिंग रिगार्डिंग आर्मी, लेकिन सेनापति कमांडर तो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो इन्फेंट्री, कैवलरी, चैरियट्स, एलिफेंट, नेवी, ट्रांसपोर्ट और प्रोविजन, अलग अलग इनके भी डिपार्टमेंट्स होते थे। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार कैश में पे करने वाला अशोका ही था सोल्जरों को।
इससे पहले फ्यूडलिस्टिक सिस्टम, यहाँ पर भी फ्यूडलिस्टिक सिस्टम ही था, लेकिन महीने की तनख्वाह दी जाती थी हाथ में। अशोका के बाद हमें बहुत ही कम ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद रफली चंद छोटे बड़े लोगों ने कोशिश की, लेकिन बड़ा नाम अगर मैं बताऊं तो छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे, जो कैश में पे करते थे अपने सोल्जर्स को। ठीक है, उन्हें पता था कि फ्यूडलिस्टिक लैंडलॉर्ड्स के भरोसे छोड़ देंगे तो रेगुलर इनकम नहीं मिलेगी सोल्जर्स को। सोल्जर्स आर वेरी मच मोर इम्पोर्टेंट, उनकी नीड्स को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी तो वो जान देने के लिए आएंगे, वरना कोई क्यों आएगा बताइए। तो डिक्लाइन का रीजन क्या क्या है मौर्यन एम्पायर का? इतना बड़ा ग्लोरियस हिस्ट्री हमने देखा, अशोक जैसा करिस्मेटिक पर्सनैलिटी हमने देखा, तो एवरी गुड थिंग हैज एन एंड। हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, आपने देखा कितना बड़ा वैस्ट लैंड स्ट्रेच हुआ था। चाइनीज के कहावत है बेटा कि एम्पायर्स टेंड टू फॉल व्हेन दे एक्सपैंड, तो हद से ज्यादा जब एक्सपैंड होता है तो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। अच्छी बात है अशोक कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसके बाद कोई वीक कोई इतना स्ट्रांग सक्सेसर नहीं आया। सेम गलती है औरंगजेब भी करता है, औरंगजेब भी हद से ज्यादा जो है वो एक्सपैंड करता है, वो वर्थी था वो कंट्रोल करने का, लेकिन उसके बाद के सक्सेसर्स वीक थे। जाहिर सी बात थी कि देवर टेंड टू फॉल। सो अशोक के बाद बहुत ही वीक मोनार्क्स, हमें तो नाम भी पता नहीं आए, मतलब बता रहा हूँ इतने पावरफुल कोई भी आया नहीं। और अशोक ने क्या किया, बाय द टाइम एंड ऑफ हिज लाइफ उसने अपने एम्पायर को ना दो पार्टीशन करके, एक अपने बेटा और एक अपने पोते के नाम किया हुआ था, यानी कि पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस आहिस्ता से प्रोविंसेस को मिले। और जैसे ही अशोक मर गया, अब छोटे छोटे प्रोविंसेस ने अपना इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम करना चालू किया। आहिस्ता से सिविल वॉर, इंटरनल रिवॉल्ट्स, एक दूसरे के बीच लड़ाई झगड़ा कि तू राजा बनेगा या मैं राजा बनूंगा। और कई बार हद से ज्यादा अच्छाई भी अच्छी नहीं होती। नॉन वायलेंस और पैसिफिज्म की जो पॉलिसी अशोक फॉलो कर रहा था, लोग उसे उसकी कमजोरी की तरह देख रहे थे। देखो एक बात याद रखो कि भले ही अशोक ने बुद्धिज्म को अपनाया, लेकिन कभी भी उसने अपनी आर्मी को डिसबैंड नहीं किया। नेवर डिड ही लेफ्ट हिज आर्मी, क्योंकि उसे पता था कि एम्पायर को बचाना है तो फोर्स कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा। लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हद से ज्यादा ये दम्मा, ये बुद्धिज्म, ये नॉन वायलेंस और पैसिफिज्म उसकी जिंदगी में आ गए। लोग कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर गए। ठीक है, और बाद में फॉरेन इन्वेजन्स भी होते हैं, हम अगले के कल के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट मौर्यन में ना कई सारे इंडो ग्रीक्स वगैरह आते हैं, ग्रीक के राजा लोग यहाँ पर आते हैं, शाकास वगैरह आते हैं, ये सभी फॉरेन एलिमेंट ही थे जो इंडिया को इन्वेट करके एंशियंट टाइम में अपना दबदबा दबाने की कोशिश कर रहे थे। सो लेट अस रैप अप टॉपिक्स फॉर टुडे, आई नो यू ऑल आर टायर्ड। हमने क्या देखा, हमने जैनिज्म देखा, हमने करिस्मेटिक गौतम बुद्धा को देखा, हमने पी मौर्यन एरा में बृहद्दत्ता, शिशु नागेन सभी को देखा, और मौर्यन एम्पायर को हमने रैप अप किया। शैल वी गो विद एमसीक्यूज? यस सर। ओके, जल्दी जल्दी पढ़ो। डैश मोमेंट वॉज अ नॉन वैदिक मोमेंट पैरेलल टू वैदिक हिंदुइज्म, शरमणा मोमेंट ए इज द राइट आंसर। ठीक है, शरमणा के ही आउटकम से जैनिज्म और बुद्धिज्म एज वेल एज योगा। एज पर जैन ट्रेडिशन, डैश वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर, पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ वॉज द फर्स्ट, पार्श्वनाथा वॉज 23rd एंड महावीरा वॉज 24th। जैन काउंसिल्स के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोनों ही गलत है बेटा। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में, वल्लाभी में नहीं, पहला पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूल भद्रा ही चेयरमैन थे, दूसरा हुआ था वल्लाभी में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ शम्स रमणा। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो पाली में लिखा गया है कौन सा है वो? ऑड वन आउट सर, नन डी सर, ऑल आर करेक्ट। Yes, all are correct. There is nothing odd. Sutta Pitika is Buddha saying, Vinaya Pitika is monastic code, and Abhidhamma Pitika is religious discourses of Buddha. ये बताओ, Buddhist Council और Royal Patronage किसने दिया? YouTube के बच्चे भी लिखते जाओ, सेशन को भी लाइक करो, ठीक है?
ऑप्शन डी ऑप्शन डी सर डी डी सर डी डी सर ओके गुड ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बेटा ठीक है तो राजगृह जो था जाहिर सी बात नहीं नहीं फोर्थ वन इज बी कनिष्क एंड देन कम्स पाटलिपुत्र सी अशोका देन कम्स वैशाखी वैशाली काल अशोक एंड देन कम्स राजगृह अजात शत्रु हु इज बुद्धा फ्यूचर मंजूश्री नहीं है मैत्रेय इज द राइट आंसर मैत्रेय एम देखा ना इसलिए मगध प्रोमिनेंस किसके लीडरशिप में पहली बार आया मगध एम्पायर सर बिंबिसारा डी एब्सोल्युटली राइट बिंदुसारा नहीं बिंबिसारा है वो ठीक है बिंबिसारा इज द राइट आंसर सर ऑप्शन डी सख्य मुनि किसे कहा जाता है गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध को सख्य मुनि कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य में ट्रैवलर आया था कौन मेगिस्थनीस मेगिस्थनीस वन सांग नहीं आता वन सांग हर्षा के टाइम में था डी मेगिस्थनीस इज द राइट आंसर इब्ने बतूता आया हुआ था इब्ने बतूता आया हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम फ्रेम में रेहला लिखा हुआ था मार्को पोलो रुद्रमा देवी के टाइम फ्रेम में हुआ था इटली से पुष्यमित्र सुंगा को ना द लास्ट मौर्यन रूलर टू बी किल्ड बाय पुष्यमित्र बृहद्रथ इज द राइट आंसर ठीक है कलिंगा का वॉर किस साल हुआ बेटा 261 BC 262 BC नहीं बेटा इट वाज इन 261 BC ठीक है इन द 8th ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन 261 BC ताम्रपाणि किसे कहा गया था अशोकन इंस्क्रिप्शन में अशोका के अलग अलग इंस्क्रिप्शन है ना तो वहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया ताम्रपाणि कौन से किंगडम को वो रेफर कर रहा था ये अगर मेरा कोर्स का लेक्चर आपने देखा हुआ तो आपको पता होगा इसीलिए कह रहा हूँ कोर्स के लेक्चर देख के आओ कल रेस्ट ऑफ द एंशियंट हिस्ट्री के चैप्टर्स हम देखेंगे बेटा ठीक है पोस्ट संगम वगैरह यस सीलोन श्रीलंका के लोगों को ताम्रपाणि कहा जाता था अर्थशास्त्र 1905 में किसने रीडिस्कवर किया अर्थशास्त्र आर श्याम शास्त्री मुद्र राक्षसा किसने लिखा हुआ विशाख दत्त ने सर विशाख दत्त जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से मगध क्या कहते हैं उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने तख्त जीती हुई थी वो विशाख दत्ता इज द राइट आंसर After the dash, Alexander reached Beast to conquer the East, but his fatigued army refused to cross. Akhri jung jo Alexander ne Battle of Sakala. Battle of Hydaspes. Hydaspes ke aage bhi wo aata hai. It was Battle of Sakala. This is the right answer. क्या चलाना है उसके बारे में बात करता है ठीक है स्टेट के ओरिजिन के बारे में नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोग्राफीज हिस्टोरिकल बायोग्राफीज नहीं है हर्षचरिता हर्षा का है विक्रमादेव चरित्र विक्रमादित्य का पृथ्वीराज विजय पृथ्वीराज का दीपवंश ए इज द राइट आंसर हाँ दीपवंश और महावंश क्या है श्रीलंका के हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स हैं अशोक के टाइटल में से एक नहीं है धर्मशोक भी है लेकिन देवपुत्र जो है वो कनिष्क का है ठीक है कुशान कनिष्क का अक्षपतला या फिर अक्षपटाला जो विलेज मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का था वो क्या करता था काम हु वाज ही सर अकाउंट जनरल था अकाउंटेंट जनरल अक्षपतला वाज अकाउंटेंट जनरल जनरल पांच प्रोविंसेस थे मगध के टाइम फ्रेम में ऑड वन आउट पूछ रहा है
अवंतीपत ये पांच हो गए, पांचवा है। उत्तरपथ नॉर्थर्न प्रोविंस तक्षशिला कैपिटल था, अवंतीपथ वेस्टर्न प्रोविंस उज्जैन कैपिटल था, दक्षिणपथ साउथ स्वर्णगिरी, पश्चातपथ ईस्टर्न कैपिटल ईस्टर्न साइड था तोशली, और मेन सेंट्रल जो था मगध वो भी ईस्टर्न साइड ही था, तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन डी सर स्टेटमेंट वन इज फॉल्स, स्टेटमेंट टू इज ट्रू, क्योंकि डिसबैन ही नहीं किया उसने। किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में अशोक का रेफरेंस देखने को मिलता है? महावंशम सर डी। महावंशम महावंशम महावंशा डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये तीनों सेक्रेट किताब है बुद्धिज्म के, उसमें क्यों अशोक के बारे में बोलेंगे। यस सर सी दे वर लोकेटेड इन रूरल प्लेस। क्विज में पढ़ के आया हूं। गुड सर। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुद्धिस्ट स्तूपा इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? अशोका प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। यस, स्तूपा कल्ट को बहुत फेमस किया उसने, जगह जगह पर स्तूपास बनवाए, बुद्धा और अदर मॉन्क्स के रिलिक्स हुआ करते थे वहां पर, और दे वर लोकेटेड क्लोज टू ट्रेड रूट्स, क्योंकि लोग ट्रेड करने के लिए आने जाने वाले उन स्तूपास के पास जाते, वर्शिप करते थे, बुद्धिज्म के बारे में जानते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूरल एरियाज में, जहां कहीं पर भी जरूरत पड़ती थी वहां पर रखता था, ज्यादातर ट्रेड रूट्स में। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, ब्रह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को किसने डिसिफर किया? जेम्स प्रिंस। ब्रह्मी स्क्रिप्ट से ही तो हमें पता चला अशोक के बारे में। अरे बाप रे बाप। सो डी जेम्स प्रिंसेप इज द राइट आंसर। सो दैट इज द लास्ट एमसीक्यू फॉर दिस सेशन। अरे नहीं, एक और है, क्विक जल्दी सर। बोथ आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज Not the correct explanation of the A. A, sir. A. Yes, sir. A. Very good, beta. Or Greek travelers were most impressed by the fertility of Indian soil and the energy and capability of his offer cultivators. Yes, Greek जब आए तो देख के हैरान हो गए कि agriculture इतना अच्छा है यहाँ पर, agriculture जबरदस्त चल रहा है और farmers भी जबरदस्त। Ancient India knew the use of manure. इससे उसका क्या लेना देना? Both the statements are true, but statement two is not the correct explanation of statement one. देखो statements की खासियत क्या है? महज हमें right और wrong नहीं बोलना है, इन दोनों के बीच हमें relation भी establish करना है। अगर fertility India की अच्छी थी, अगर यहाँ के peasants hard work करते, उससे अपने manure का क्या लेना देना? Manure तो हमें enhance करने की मदद करता है, manure का knowledge हमें था, लेकिन उससे fertility का बढ़ना, हमारे peasants का काम करना, ये इतना कुछ ग्रीक ट्रैवलर्स का इंप्रेस होना कुछ रिलेशन नहीं है। सो बी इज द राइट आंसर। सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है? आप सभी को भी एक बार बता दूं वेयर यू विल फाइंड। आई होप के यू कैन सी माई स्क्रीन्स। तो जब आप वेबसाइट पे जाएंगे या फिर ऐप में जाएंगे, कोर्स में जाओ, सो इन द वेरी कोर्स यहाँ पर एग्जाम है, एग्जाम CDS 1 2023, या फिर NDA है तो respectively आप NDA के सेक्शन में जा सकते हैं, एंड फ्रॉम देर यू कैन फाइंड। ठीक है, ये पर आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। देखो GK GS 530 है ना, तो यहाँ पर 3rd Jan और उसका लेक्चर, ये 4th Jan और उसका लेक्चर मैं अभी PDF लगा दूंगा, ठीक है? नो इश्यूज। तो कल के लिए बाकी के एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स कोर्स में अवेलेबल हैं वो पढ़ के आना। सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। एंड हाँ सुनो बेटा, बोलो सर, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म का डिक्लाइन हो गया था, तो उसके बाद अभी भी तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के रिलीजन के लोग रहते हैं। हाँ, तो मतलब फिर डिक्लाइन कैसे कह सकते? डिक्लाइन मतलब पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट नहीं हुए, उनके फॉलोअर्स में घटाव, बस एक्सटिंक्ट नहीं हुए ना, वी नेवर यूज द वर्ड एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट यानी कि पूरी तरीके से चले जाना, लेकिन डिक्लाइन हुई यानी कि उनकी तादाद में कमी हुई, बस और कुछ नहीं। ओके सर, और कुछ है बेटा? नो सर। ओके, सो मीट यू टुमारो, अंटिल देन स्टे हेल्दी। सर एक डाउट था। हां हां बेटा। सर वो जो पिलर इंडेक्स था भाई अशोका, वो सब नाम को याद करना होगा? नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, दे डजंट आस्क यू। ओके ओके सर। ओके जय हिंद बेटा, बाय। जय हिंद।